हेलो 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 आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक महारिविजन में तो इस महारिविजन में हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं वो है लॉज ऑफ मोशन यस लेट हो गया थोड़ा सा हां लेट हो भी क्योंकि यार लेट तो बनता है ना तुम लोग यार हद करते हो इतना सुबह सुबह कौन पढ़ाई करता है चलो कोई बात नहीं मास्टर को सोने दो दो यार थोड़ा सा बेचारा मास्टर मास्टर को आराम करने भी नहीं देते हो सोने भी नहीं देते हो कोई बात नहीं तो फाइनली वी आर लाइफ और आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे चलिए तो सभी बच्चे आ गए क्या आ जाओ आ जाओ बुला लो चलिए 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 नमस्कार 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 तो चलिए आज का जर्नी शुरू करते हैं और आज हम लोग लॉज ऑफ मोशन ताबड़तौर पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने थ्योरी को सीक्वेंस में शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अरेंज किया है है ना और उसके बाद बीच बीच में ही सवाल डाले हैं जो हाईली रिलेवेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पी नहीं लिए हैं फ्रेंकली स्पीकिंग बट पी टाइप के ही एकदम नए सवाल आपके लिए लेके आया हूं बहुत लेंदी नहीं बहुत कैलकुलेटिव uh, नहीं बट नीट में जैसे सवाल आते हैं वैसे सवाल आपको देखने को मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं वन सर्ट रिविजन ठीक है तो हमारा जो सीक्वेंस है आज हम कवर करेंगे ऑल लॉज ऑफ मोशन इनर्सिया के बारे में बातें करेंगे फोर्सेस के बारे में बातें करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे गन बुलेट सिस्टम रॉकेट प्रॉब्लम समझेंगे कनेक्टेड बॉडी मोशन को समझेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम समझेंगे स्यूडो फोर्स समझेंगे फ्रिक्शन समझेंगे उसके बाद सर्कुलर डायनेमिक्स में हम लोग बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट बैंकिंग ऑफ रोड एंड डेथ विल जैसे टाइप समझेंगे हा वर्टिकल सर्कुलर मोशन बेटा वर्क एनर्जी पावर में आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहां आएगा वर्क एनर्जी पावर में आएगा ठीक है तो लॉज ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन प्लस सर्कुलर डायनेमिक्स एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लॉज ऑफ मोशन में जितना कंटेंट है वो उठा के लाया हूं सेल्फ मेड सिक्वेंस नहीं है जो एनसीईआरटी के लॉज ऑफ मोशन में जो जो टॉपिक है वो सारे टॉपिक मैं आपको यहां पे करा दूंगा है ना कई लोग क्या करते हैं लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन नहीं लेते बट फ्रिक्शन इज अ फोर्स लॉज ऑफ मोशन का ही पार्ट है तो कंप्लीट फ्रिक्शन बताऊंगा आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रिक्शन समझाऊंगा थोड़ा बता देता हूं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन बताऊंगा वर्टिकल सरफेस पे फ्रिक्शन बताऊंगा इनक्लाइंट सरफेस पे फ्रिक्शन बताऊंगा ब्लॉक ओवर ब्लॉक बताऊंगा ठीक है भाई एकदम जोरदार ब्लॉक ओवर ब्लॉक भी पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद सर्कुलर डायनेमिक्स में सेंट्रीपिटल फोर, फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताऊंगा बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ग्रामोफोन रिकॉर्डर डिस्क रोटेट कर रहा होता है वो वाला क्वेश्चन बैंकिंग ऑफ रोड डेथ वेल मोशन ऑफ अ कार ऑन अ रफ फोरजोनटल रोड ये सारा केस हम यहां पे कवर करेंगे प्योरली एनसीआरटी के, के कंसेप्ट से तो चलिए लॉस ऑफ मोशन की जर्नी शुरू करते हैं Kynamatics में आपने क्या पढ़ा है सर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एसिलेशन अब हम किसी बॉडी के स्टेट को दो तरीके से डिफाइन करते हैं दो फिजिकल स्टेट होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इसको कहते हैं बॉडी की इनहेरेंट स्टेट नेचुरल स्टेट तो ध्यान से देखिएगा ध्यान से देखिएगा इट इज अचुरल स्टेट फिजिकल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट फिजिकल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन द सेम फिजिकल स्टेट किसी भी बॉडी के फिजिकल स्टेट को हम उसके वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं दो टाइप का फिजिकल स्टेट होता है स्टेट ऑफ रेस्ट जहां पे ऑब्जेक्ट परफेक्ट रेस्ट में होता है क्या होता है ऑब्जेक्ट परफेक्ट रेस्ट में होता है या ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होगा अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट अगर ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलासिटी से चल रहा है उसको कहते हैं स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन दोनों स्टेट में बॉडी को बना के रखने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है बॉडी की दो फिजिकल स्टेट है और इसको हम नेचुरल स्टेट ऑफ अ बॉडी बोलते हैं इन बिच नो एक्सटर्नल फोर्स नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इज न सेम स्टेट इसमें एक छोटा सा सवाल भी करते हैं मान लो एक ऑब्जेक्ट है मास का और ये ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है सर, नहीं होगा क्या वर्टिकल जा रहा है अब बताओ इस पर नेट फोर्स नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन ऑब्जेक्टिटेशन में ग्रेविटी है ग्रेविटी है स्पेस फ्री है, नहीं माना हमने ग्रेविटी है और ऊपर जा रहा है दस मीटर पर सेकेंड से तो नेट फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट बोलो नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बोलो फटाफट बट हुई बाबा एमजी कौन लगाएगा कैसी बातें कर रहे हो यार एमजी का परंपरा नहीं है क्या तुम्हारे प्लेनेट पे अरे रामलाल युगांडा उगाडा में एमजी का परंपरा नहीं है क्या तुम्हारे गांव में एमजी नहीं लगता क्या बताओ रे एमजी जैसी कोई चीज होती कि नहीं होती एमडी जैस, जैसे एमजी जैसी कोई चीज होती कि ना होती एमजी जैसी कोई चीज होती कि नहीं होती सर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स पूछो हम बताएंगे अगर यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा जाए तो वो एम लगेगा लेकिन बात आपने नेट फोर्स की कर दी वो जीरो होगा क्यों क्योंकि सर ये ना वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो गया और अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगा तो एसिलरेशन जीरो होगा एसिलरेशन जीरो होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा यही तो हमने समझा है कि कोई भी बॉडी अगर अपने नेचुरल फिजिकल स्टेट में है तो उसका स्टेट चेंज करने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है क्या समझ गए बेटा अच्छे से समझ गया अच्छे से इनर्सिया क्या होता है प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज द कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट क्या है कॉज कोर्स नहीं कॉज कॉज अंग्रेजी तरह खराब है ना मेरा कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट को हम कहते हैं बेटा फोर्स कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट को क्या कहते हैं फोर्स तो फोर्स को जो अपोज करता है उसको कहते हैं इनर्शिया इनर्शिया कैन नॉट बी मेजर इट कैन कंपेयर ओनली इट कैन कैन कंपेयर ओनली इट कैन कंपेयर ओनली इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मास होता है अब इनर्शिया का यूनिट क्या होगा तो इट इज यूनिटलेस इनर्शिया इज अ यूनिटलेस इज यूनिटलेस तावर तोरसा वाला आ रहा है अभी जोरदार 2 मिनट ध्यान रखो बस अब मैं यहां पे एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं इज इनर्सिया अपोज मोशन आंसर क्या होगा इज इनर्सिया अपोज मोशन क्या इनर्सिया मोशन को अपोज करता है ट्रू और फॉल्स बताइए यस और नो बताइए फटाफट इज अपोज मोशन क्या इनर्सिया मोशन को अपोज करता है क्या इनर्सिया मोशन को अपोज करता है नो नो नॉट एट ऑल नो नॉट एट ऑल इनर्सिया अपोज कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट जब स्टेट में चेंज होगा ना उसको अपोज करेगा जैसे मान लो कोई एम मास का ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो इनर्सिया कहता है कि 10 मीटर पर सेकेंड से चलने की इनर्सिया में हूं मैं ये इनर्सिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो इनर्सिया तो मोशन को सपोर्ट कर रहा है क्या समाइम इनर्सिया कैन सपोर्ट मोशन हा वो तो बॉडी को मोशन में बना के रखना चाहता है इसी को तो कहते हैं इनर्सिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इनर्सिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इनर्सिया ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड इनर्सिया ऑफ रेस्ट इनर्सिया ऑफ रेस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा वैसे सवाल हम कहते हैं ना कि यहां पर हमने एक ग्लास ले लिया और ग्लास के ऊपर एक पेपर रख दिया पेपर रख लेते हैं एक पेपर रख लिया साहब और इसमें रख दिया ये क्या कहते हैं तुम्हारा क्वाइन जब हम इस पेपर को सडनली खींचेंगे तो क्वाइन कहां गिरेगा मतलब थोड़ा सा आगे गिर गया लेकिन इसमें गिर जाना चाहिए था और अगर हम इस पेपर को स्लोली खींचे तो क्वाइन कहां जाएगा स्लोली खींचेंगे तो एक क्वाइन पेपर के साथ ही आ जाएगा क्यों इनर्सिया ऑफ रेस्ट की वजह से हा आना ठीक है ओके वेरी गुड अब यहां पे इनर्सिया पे बेस्ट एक जोरदार सवाल अ मास ऑफ वन के मास ऑफ वन के जी इज सस्पेंडेड बाई द स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग ए से वन केजी मास को सस्पेंड किया जर्क दिया मतलब इस मास को पकड़ के हमने खींचा इस मास को हमने पकड़ के खींचा एफ से जर्क कैसे दिया है सडेन जर्क सडेन जर्क मतलब तुरंत से खींचा देन पोर्शन ऑफ ए बी ऑफ द स्ट्रिंग बिल ब्रेक देखो ये पोर्शन जो स्ट्रिंग का है ना अरे यार इन्होंने थोड़ा एबी को ऊपर नीचे टाइप कर दिया सॉरी बेटा ओ हो हो ऊपर नीचे टाइप कर दिया मैं ठीक कर देता हूं ye, आपका A, ये आपका सेक्शन है ए ये बी और ये है सी ठीक है ना कुछ ऐसा है तो द पोर्शन ए बी ऑफ द स्ट्रिंग बिल ब्रेक नहीं ए बी ब्रेक नहीं होगा तो पोर्शन ऑफ बी सी ऑफ द स्ट्रिंग बिल ब्रेक मतलब यहां से बी से सी तो बी सी ब्रेक होगा कि ए बी ब्रेक होगा ये बताओ नन ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक द मास विल बी स्टार्ट रोटेटिंग द पोर्शन ऑफ बी सी विल ब्रेक मेरे हिसाब से दूसरा आंसर आएगा क्योंकि जब आप सडन जर्क अप्लाई करोगे इसको पकड़ के खींचोगे देखो ना इसको किसको खींचा है सडन जर्क इज गिवन टू सी एक मिनट है रुको सिंपल सवाल ऐसे बनाने दो यार ये ज्यादा नेतागिरी कर लिया ऐसे सिंपल ऐसे यहां पे फोर्स लगाया हटाओ कहा नहीं छोड़ो ये ए बी और ये पॉइंट है तुम्हारा सी कहां से टूटेगा बोलो इसको बी सी बोल देते बी और सी तो सी को हमने जर्क दिया तो कहां से टूटेगा बी सी विल ब्रेक क्लियर है कोई बात नहीं अच्छा स्लोली खींचते तो कहां से टूटता ए बी सेक्शन से खींच टूटता और सडनली खींचेंगे तो कहां से टूटेगा सी से टूटेगा ठीक है यह सवाल देखो यह सवाल देखो फंडामेंटली द नॉर्मल फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन अ कॉन्टेक्ट इज जो नॉर्मल फोर्स लगता है बिटवीन दो टू सर्फेस वो किस नेचर का होता है देखो यहां पे लिखा है फंडामेंटली द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू सरफेस सर्फेसिस कॉन्टैक्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर ग्रेविटेशनल इन नेचर वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा जवाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल वीक न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बताओ फंडामेंटली द नॉर्मल फोर्स बिटवीन टू सर्फेस नॉर्मल फोर्स बिटवीन टू फॉर्स सर्फेस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर तो बहुत सारे जब बच्चे जवाब फर्स्ट दे रहे हैं लेकिन बहुत सारे पैरली बच्चे जवाब दे रहे हैं टू थ्री एंड फोर जो कि गलत है जितने भी आपके ड्राइवड फोर्स है जैसे टेंशन जैसे मैं बात करूं टेंशन विस्कस फोर्स विस्कस फोर्स बाइंड फोर्स वायंट फोर्स स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स नॉर्मल फोर्स ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है ये सारे फोर्स नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है देखो चार फंडामेंटल होते हैं चार फंडामेंटल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स आ, वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये चार फंडामेंटल होते हैं बाकी जितने होते हैं वो ड्राइव्ड होते हैं और सारे किससे ड्राइव्ड होकर आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं तो याद रखेगा अगर आपसे पूछे कि फ्रिक्शन का नेचर क्या है ऑफकोर्स फ्रिक्शन भी फ्रिक्शन किस नेचर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्प्रिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाइंड फोर्स 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 विस्कस टेंशन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं क्लियर बेटा नेक्स्ट द टेंशन इन द स्प्रिंग इज मान लो एक स्प्रिंग लिया हमने और इस स्प्रिंग को यहां से न्यूटन से खींचा इधर भी पांच न्यूटन से कुछ खींचा तो इस स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा किसमें स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा तो कई बार बच्चे भावुकता में आके कहते हैं सर जीरो तो नहीं होगा नहीं सर दस न्यूटन तो नहीं होगा नहीं क्या होगा थर्ड पांच न्यूटन होगा क्या हमने लॉज ऑफ मोशन में यह कंसेप्ट पढ़ लिया है देखो जब स्प्रिंग के बारे में ना बोले कुछ भी तो हम इसको आइडियल स्प्रिंग इस मानेंगे और आइडियल स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स निकालने के लिए उसको स्ट्रिंग मान लो सिंपल अब मान लो एक स्ट्रिंग को इधर से तुम पांच न्यूटन से खींचो और इसको इधर से पांच न्यूटन से खींचो तो नेट फोर्स ही जीरो होगा लेकिन किसी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू तो पांच न्यूटन ही आएगा ना किसी पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू बेटा पांच न्यूटन ही आएगा ना लॉ ऑफ इनर्सिया एंड लॉ ऑफ लॉक्म लॉ ऑफ इनर्सिया क्या कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी भी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो लग रहा तो उस बॉडी का स्टेट <coughs> चेंज नहीं होगा इफ नेट फोर्स इज जीरोन स्टेट ऑफ द बॉडी विल नॉट चेंज इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज देन देन स्टेट ऑफ द बॉडी विल नॉट चेंज मतलब अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा तो उसका नेट जीरो होना होना मतलब होना चाहिए होना चाहिए चाहिए मतलब वेलोसिटी क्या कांस्टेंट अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो उसका एसिलेशन जीरो होगा उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए वो अपने स्टेट को तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स ना लग जाए ठीक है अब इसको भी हम तीन पार्ट में बांटते हैं तीन पार्ट में कैसे अगर x एक्स एक्सिस में फोर्स जीरो लग रहा है तो x का एसिलेशन जीरो होगा हमें y का नहीं पता क्योंकि x एक्स एक्सिस में लगने वाला फोर्स y के एसिलेशन को चेंज नहीं करता एंड y में लगने वाला फोर्स x के एसिलेशन को चेंज नहीं करता ये दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं अगर कहेगा कि हमने y डायरेक्शन में फोर्स जीरो लगाया तो एसिलेशन y का मस्ट भी जीरो हमें x का नहीं पता ये फोर्स कहता है कि मैं अपनी वाली का एसिलेशन चेंज करूंगा तू अपनी वाली का देख ये कहता है मैं अपनी वाली का एसिलेशन चेंज करूंगा तू अपना देख ये दोनों में झगड़ा हो जाता है ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे को ट्रीट करता है अगर आप कहते हो कि हमने x में फोर्स लगाया तो x में ही सिलेशन आएगा हमने y में फोर्स लगाया तो y में ही एसिलेशन आएगा एक बहुत जोरदार सवाल बहुत कंसेप्चुअल सवाल है ध्यान से पढ़ना नहीं तो गलती कर सकते हो अब आएगा मजा दिमाग घूम जाएगा थ्री कॉन्करेंट करेंट कोप्लानर फोर्स कॉन्करेंट मतलब जिसका पॉइंट ऑफ एक्शन एक ही जगह पे हो को मतलब एक ही प्लेन में हो कौन कौन सा फोर्स है वन न्यूटन टू न्यूटन एंड थ्री न्यूटन एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑन अ बॉडी देन 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 बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट कैन कीप द बॉडी इन इक्विवर यह तीनों फोर्स मिला के क्या बॉडी में रह सकती है इक्लिविर सेट राइट एंगल कैन कीप द बॉडी इन इक्लिवीरियम इफ वन न्यूटन एंड टू न्यूटन एक्ट सेट राइट एंगल कैन नॉट कीप द बॉडी इन इक्वीरियम कैन कीप द बॉडी इन इक्लिवरियम इफ वन न्यूटन एंड थ्री न्यूटन एक सेट अक्यूट एंगल बताइए ध्यान से सोच के समझ के बताइए क्या लग रहा है क्या लग रहा है सवाल अच्छे से पढ़ो तभी फील आएगा तभी कर पाओगे सवाल अच्छे से पढ़ो तभी कर पाओगे देखो कन करेंट का मतलब एक ही पॉइंट पे लग रहा है कुप्लानर मतलब एक प्लेन में लग रहा है वन न्यूटन टू न्यूटन थ्री न्यूटन एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन मतलब ये डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है सेम डायरेक्शन में कोई भी दो फोर्स नहीं है दो न्यूटन तीन न्यूटन अगर राइट एंगल पे है तो इसका रिजल्टेंट जो होगा ना दो न्यूटन एंड तीन न्यूटन का वो तीन से भी ज्यादा होगा क्योंकि 90 डिग्री पे जोड़ो तीन काूटर दो का हॉलो स्क्वायर तीन से तो ज्यादा ही होगा अब इन दोनों का सम तीन से ज्यादा होगा तो एक न्यूटन का अपॉजिट में लगा के नेट फोर्स टू तो जीरो कर नहीं पाएंगे गलत है वन एंड टू न्यूटन अगर परपेंडिकुलर है वन न्यूटन एंड टू न्यूटन अगर परपेंडिकुलर है तो इसका रिजल्टेंट टू से थोड़ा ज्यादा होगा थ्री न्यूटन नहीं आ पाएगा क्यों नहीं आ पाएगा सर थ्री न्यूटन तो तब होता ना जब दो और एक सेम डायरेक्शन में लग रहे होते लेकिन कोई भी दो फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं लग रहा है तो ये दो और एक तीन तो हो ही नहीं सकते तो ये भी नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से ये होगा कैन कीप द बॉडी इन इक्विविर वन न्यूटन एंड थ्री न्यूटन एक सेट राइट एंगल नहीं 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 तीन इधर एक इधर तो रिजल्टेंट तीन से भी ज्यादा आएगा और मेरे पास तो दो न्यूटन का फोर्स बचा है सर ऐसा तो हो सकता है ना कि दो न्यूटन आगे एक न्यूटन आगे और तीन न्यूटन पीछे ये केस तो हो सकता है हां ये केस हो सकता है लेकिन चचा ने बोल दिया कि डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए थर्ड आंसर आ जाएगा बोलो थोड़ा सा मजा आया कि नहीं थोड़ा तो मजा आया होगा ईमानदारी से बताना थोड़ा तो फील आया होगा ना सर पहले इसमें फील वाली बात क्या फील वाली बात यह है कि देख के तो लग रहा है कि एक दो और तीन इक्लूबीडम में तो रख सकते हैं कब जब एक और दो एक तरफ लग रहे हो तीसरा तीसरी तरफ लग रहा हो लेकिन चुपके से चा ने लिख दिया डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहे है तो भाई ऐसा भी लग रहा है कि इक्लिबे में होगा और वहां पर लिखा है नहीं होगा हर <laughs> सवाल में खूब सारा व्यक्तर का एप्लीकेशन दे दिया एंड लॉज ऑफ मोशन का यूज हो गया बताओ मजा आया कि नहीं एकदम ओह सर जोरदार आगे चले ये सवाल देखो बढ़िया सवाल पहले समझना मजा आएगा सवाल समझना इन द सोन सिस्टम सोन सिस्टम मतलब ये सिस्टम, इच ऑफ द ब्लॉक इज एट्रेस्ट वैल्यू इज ये, थीटा पूछा है, ये थीटा पूछा है, सब कुछ रेस्ट में हाँ, तो हाँ, यहां पे हम लामीज लगाएंगे कैसे रुको क्या चार के जी पर नीचे एमजी बराबर चालीस न्यूटन होगा जी सरकार तो यहां पे टेंशन भी चालीस न्यूटन होगा क्योंकि ये रेस्ट में रखना है इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये टेंशन उतना ही होगा इस पूरे वायर में यहां से लेकर यह वायर घूम के यहां तक गया तो मतलब यहां हमें टेंशन फोर्टी न्यूटन पता चल गया इसको रेस्ट में रखने के लिए यहां पर टेंशन थर्टी न्यूटन होगा क्यों क्योंकि नीचे एमजी लगेगा न्यूटन न्यूटन का तो यह ऊपर होगा होगा कि नहीं हो हाँ सर और यह टेंशन टी इस वायर में कुछ अलग आएगा यह वर्टिकल एंगल थीटा बना रहा है तो क्या हम ये थीटा बोल सकते हैं या हम एक काम कर सकते हैं बेटा एक लाइन में अगर आंसर चाहिए तो ध्यान से सुनना रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है इस पॉइंट पे सर इक्विलिब्रियम में तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा मतलब चालीस और तीस का वेक्टर सम नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा क्या हाँ या ना हाँ सर थर्टी एंड फोर्टी का नेट सम इस डायरेक्शन में आएगा तभी तो टी और इन दोनों का वेक्टर सम नेट फोर्स जीरो बनाएगा ठीक है अब ये थीटा पूछा है मतलब ये एंगल पूछा है एंगल अल्फा कितना होगा सॉरी ये थीटा एंगल कितना होगा तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं कि बेस है थर्टी और ये फोर्टी न्यूटन को आप यहां बना लेंगे तो ये फोर्टी न्यूटन तो थीटा इज इक्वल टू पर पेंडिकुलर फोर्टी बेस थर्टी कट जाएगा चार बटा तीन तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स फोर बाई थ्री थर्ड एंसर आ जाएगा एंसर इज योर थर्ड अब भाई इक्विलिब्रियम के ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में ऐसा नहीं है ियम कैसे सवाल आते हैं क्या तुमने किया इसको अच्छे से फायर मजा आ गया तुमने तो बहुत सच में अच्छे से कर लिया चलाक्रो वेरी चलाक, चलाक। सबको समझ में आया ना सबको समझ में आया ना देखो कैसे किया देखो मैं पूरे तरीके से एक बार और बताता हूं भाई साहब कुछ ऐसा है कि हमें इतना तो पता चल गया कि ये एम जी फोर्टी न्यूटन है तो यहां पे टेंशन फोर्टी होगा तो इस वायर में फोर्टी होगा तो इधर फोर्टी यहां पे एम जी थर्टी तो ये नीचे थर्टी तो ये थर्टी और फोर्टी का वेक्टर सम फिफ्टी न्यूटन आएगा तो टेंशन सर अब किसका और ये फोर्टी ये एंगल थीटा क्लियर है क्या लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन आगे बढ़ो चाचा वहां पे फंस रहे हो डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है

तो बोला टी वन टी टू एंड टी थ्री की वैल्यू क्या होगी इसको मैं एक ही लाइन में सोल्व करना सिखाऊं जैसे ये फाइव के जी का ऑब्जेक्ट है तुम यहां पर ध्यान से देखना तो फाइव के जी की वैसे एमजी फिफ्टी न्यूटन नीचे लगेगा हाँ सर, ये तो फिक्स हो गया और ये इस डायरेक्शन में तुम्हारा टी वन लग रहा है जो कि से 30 बना रहा और ये वर्टिकल और 90 होगा तो 90 और थर्टी वन एंगल लिख दू तो कोई बुराई नहीं सर इधर है तुम्हारा T2 ये एंगल कितना बना रहा तो देखो वर्टिकल से ये 90 डिग्री का एंगल बनाया गया 60 मतलब 150 डिग्री क्या इतना कहना में कोई बुराई है सर नहीं अब भाई साहब बिना बैलेंस किए सीधा आंसर देखना T1 वन बटा साइन वन फिफ्टी इज इक्वल टू ये फोर्स 50 डिवाइडेड बाय ये वाला एंगल कितना होगा बोलो 90 सर कैसे तीनों का एंगल 160 360 आना चाहिए देख लो 90 होगा साइन नाइनटी सही कह रहा हूं ना सिक्सटी थर्टी एक सौ अस्सी होना चाहिए साठ तीस नब्बे और झमाझम जम। साइन नाइनटी वन और साइन वन फिफ्टी साइन थर्टी के मतलब हाफ होगा तो टी वन बराबर ट्वेंटी फाइव न्यूटन खत्म टी वन ट्वेंटी फाइव न्यूटन अब तुम्हें चाहिए टी टू तो ये टी टू टी टू बटा टी टू कौन सा एंगल नहीं रहा साइन वन ट्वेंटी साइन वन ट्वेंटी बराबर 50 वटा साइन 90 तो साइन 90 तुम्हारा हो जाएगा वन। और 120 मतलब 60 रूट 3 टू रूट 3 टू। टी टू पच्चीस रूट थ्री तो A और D A और D, A और सही होगा एकेंड ऑप्शन में आ रहा ए और डी सही हुआ तो ऐसे सवाल लामीस थ्योरम से कितने लोगों सॉल्व करने आते बता दीजिए एक बार हो हो <laughs> दो टेंशन की वैल्यू दो लाइन में सॉल्व ये तो तभी चमत्कार हो पाएगा मेरे भाई और बहनों जब आप लामी सुरम पढ़े होंगे क्योंकि बहुत इजी है ये अच्छा इसका दूसरा कंसेप्ट भी है क्या टी वन का कंपोनेंट इधर ले लिया फिर टी वन का कंपोनेंट ऊपर ले लिया फिफ्टी टू का कंपोनेंट पीछे ले लिया फिफ्टी टू कंपोनेंट ऊपर ले लिया ऊपर टी वन टी टू का कंपोनेंट फिफ्टी के बराबर होगा इधर टी वन का कंपोनेंट इधर टी टू के बराबर होगा मजा आया रिपीट बहुत बढ़िया ये उम्मीद नहीं थी बेटा प्लीज रिपीट अगेन चमका रिपीट कुछ बच्चे ऐसे कह रहे हैं रिपीट रिपीट ठीक है उनके लिए मैं कर देता हूं तू भी क्या याद रखेगा जीवन पर याद रखना मुझे फिर अब तू भी क्या याद रखेगा कितना दयालु मास्टर मिला है तुम्हें जीवन में तू भी क्या याद रखेगा चल देख दोबारा सॉल्व कर रहा हूं कोई बात नहीं बाकी लोग सहानुभूति दिखाएं सहानुभूति दिखाएं अपने दोस्तों के प्रति देखिए बेटा नीचे एम जी लगेगा कि नहीं लगेगा हां सर मुझे बताओ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में नब्बे का एंगल होता है तो यह कितना हो जाएगा सर ये हो जाएगा एक सौ बीस का एंगल

बटा एफ टू बटा साइन बीटा बराबर एफ थ्री बटा साइन क्लियर है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा आप तो कर लो भाई वही ये ही किया है देख ले पीछे से नहीं करेगा तो ये सवाल देखो बहुत बढ़िया सवाल है क्या है अ मेटल स्फेयर देखिएगा प्लीज अ मेटल स्फेयर इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वॉल बाय ए स्ट्रिंग बाय ए स्ट्रिंग यह दीवार है एक मेटल ब्लॉक को सेंटर से अटैच करके दीवार पर बांध दिया यह एंगल बन रहा थीटा। तो भाई ये आपका है इस पे ये वेट फोर्स तो चचा ने दिखा दिया है नीचे लग रहा है टेंशन इधर लग रहा है एंड सर्फेस कैसा है कॉन्टेक्ट सर्फेस वर्टिकल तो नॉर्मल इधर लगेगा अब आपसे पूछा है नॉर्मल

गलत क्या हो जाएगा थर्ड सर चौथा नहीं समझ में आ रहा है आएगा समझ कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने की कोशिश करोगे तो आएगा एक काम करो चलो ठीटा कौन सा एंगल बन रहा है सर वर्टिकल से ठीठा बना रहा था तो क्या यहां मैं ठीटा मान सकता हूं हां सबसे आसान तरीका बता रहा हूं टी का कंपोनेंट बोल टी कॉस टिट्टा बता तो टी कॉस टिट्टा बराबर क्या आएगा सर वेट अच्छा टी का ये कंपोनेंट बता टी साइन ठिट्टा अगर एक्स में फोर जीरो कर तो टी साइन ठिट्टा बराबर क्या आएगा टी साइन ठिट्टा बराबर नॉर्मल दोनों को डिवाइड से कटेगा उल्टा लिख ले तो N -w, देख तो बराबर देख क्या है -w -w अरे यार कैसी चोमू वाली बात करती यार मजा नहीं आया इसमें आया आगे सवाल देखो मजेदार देखो ध्यान से

फोर्स एक्सर्टेड बाई द ग्राउंड ऑन द मैन इज तो ग्राउंड इस मैन पे नॉर्मल कितना लगा रहा होगा कलुआ पर नॉर्मल कितना लग रहा है ये पूछा है ग्राउंड ऑन द मैन इज करो 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 मजा आ जाएगा करो अटैम्प करो कलुआ तो चाहिए अब सबसे पहला काम आप क्या करेंगे देखिए ये रेस्ट में है तो नीचे इस पर एम कितना लगेगा सर 100 न्यूटन एम 10 और जीवी टेन हंड्रेड न्यूटन तो यहां पर टेंशन कितना होगा सर 100 अब आप जानते हो, तो ये नीचे हंड्रेड और नीचे हंड्रेड तो में 200. 200, 200, 200, तो तो वैल्यू आ जाएगी बेटा टू हंड्रेड अब मैन का जब एफबीडी बनाएंगे मैन का एफबीडी बनाएंगे मैन का तो मैन पर टेंशन कहां लग रहा होगा मैन पर टेंशन तो मैन स्ट्रिंग को पकड़ के नीचे खींच रहा तो so, स्ट्रिंग में टेंशन ऊपर तो मैन सॉरी स्ट्रिंग में टेंशन नीचे तो मैन पर टेंशन कहां ऊपर ऊपर मैन पर टेंशन उपर, ना जैसे तुम रस्सी पकड़ के नीचे खींचूंगा तो मैं रस्सी को नीचे खींच रहा हूं ठीक है तो रस्सी को नीचे खींच रहा हूं तो रस्सी मुझे ऊपर खींचेगा तो कलुआ पर टेंशन ऊपर कल नॉर्मल ऊपर देखो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे ऊपर नीचे वाले पे नीचे तो ग्राउंड और मैन के कॉन्टेक्ट पर मैन पर नॉर्मल ऊपर ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे और नीचे मैन का एमजी मैन का एम जी कितना है भाई तो टी प्लस एन बराबर एम जी तो नॉर्मल बराबर आ जाएगा एम है सिक्सटी 60, तो छह सौ माइनस दो सौ बराबर चार सौ न्यूटन थर्ड इज योर एंसर चालीस के जी इज योर एंसर मजा आया सही है क्या फोर्टी के जी इज योर करेक्ट आंसर मजा आया कि नहीं है भाई यो मैं दो सही है क्या बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है यह सवाल बताओ बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस है इसमें सवाल को ध्यान से पढ़ना अच्छा लगेगा पढ़ो वट इज देखो पहले देखो तीन के का ऑब्जेक्ट है दो के का ऑब्जेक्ट है यह स्ट्रिंग पुल्ली के थ्रू पास कर रहा है मासलेस पुल्ली है पुल्ली के सेंटर को हमने पकड़ के ऊपर खींचा है एफ फोर से तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट लिस्ट वन ब्लॉक लीव द ग्राउंड इन द गिवन फिगर एफ की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि इन दोनों में से कोई एक ग्राउंड को छोड़ दे ग्राउंड को छोड़ दे ठीक है ना बताओ इन दोनों में से कोई एक ग्राउंड को छोड़ दे बताओ 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 घबराना नहीं है भाई इन दोनों में से कोई एक ग्राउंड को छोड़ दे बताओ सर देखो ग्राउंड को छोड़ने का मतलब होता है कॉन्टैक्ट जीरो कॉन्टैक्ट का जीरो मतलब नॉर्मल जीरो यहां पे टेंशन जिस इंस्टेंट पे 20 न्यूटन हो जाएगा ना ये ग्राउंड को छोड़ देगा क्योंकि ऊपर 20 और नीचे एम जी भी ट्वेंटी ये थर्टी न्यूटन पे छोड़ेगा तो अब भी सी बात है पहले कौन सा सरफेस ग्राउंड को छोड़ेगा ब्लॉक ग्राउंड को छोड़ेगा दो के वाला तीन के वाला तो गलत है कब छोड़ेगा जब टेंशन यहां पे 20 न्यूटन हो जाएगा तो भाई इस पॉइंट पर नीचे 20, इस पॉइंट पे नीचे 20, तो इस फोर्स की वैल्यू तो 40 न्यूटन आनी चाहिए थर्ड इज योर See, अब इसमें कुछ बच्चे फर्स्ट दे रहे हैं लेकिन फर्स्ट वाले गधे हैं एकदम। ये गलत है चचा, क्योंकि जब तुम इसको पकड़ के खींचोगे तो यहां पर जो टेंशन होगा इन दोनों वायर के टेंशन का डबल होगा तो मान लो यहां टी है टी है, तो यहां टूटी होगा अब यहां पे टी ट्वेंटी आएगा तभी तो ये सरफेस को छोड़ेगा फंस गए चक्रव्यूह में नहीं वन नहीं ियस में बेटा ये चालीस जी दिया हुआ जी इज द दिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्राम नहीं है ये यहां लिखा है ना स्मॉल जी ये ड्यू टू ग्रेविटी मत लगा ज्यादा दिमाग है नहीं तो क्लियर क्लियर बताओ बेटा समझ में आया चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं ये सवाल है ऐसे नीट में भी पूछे गए थे ऐसे सवाल एग्जाम में भी आते हैं क्या है एक बार समझते हैं एक स्प्रिंग है ये और स्प्रिंग थ्री एम मास को कनेक्ट कर थ्री एम और एम मास को एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया ये ये तो स्प्रिंग है ये स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया और एक टू ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास थ्री एम एंड एम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाई द मासलेस एंड एनेक्सटेबल स्ट्रिंग द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाई द मासलेस स्प्रिंग मैग्निट्यूड ऑफ एसिलेशन ऑफ द ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट जिससे ही मैं इस्टिंग को कट cut करूंगा कटिंग दिस इन दोनों का एसिलेशन क्या होगा तो सबसे पहले बात समझो कि काटने से पहले स्प्रिंग और स्ट्रिंग में टेंशन निकाल लो तो अब सी बात है नीचे एमजी फोर्स लग रहा होगा तो यहां पर भी ऊपर जो टेंशन होगा एमजी के बराबर होगा हां सर यहां पर स्प्रिंग फोर्स कितना होगा तो स्प्रिंग फोर्स देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स इस, इस दोनों को बैलेंस कर रहा है तो थ्री एम और फोर एम हो जाएगा तो फोर एम जी हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स जैसे आप इसको काटोगे तो स्ट्रिंग में टेंशन एक इंपल्सिव फोर्स होता है रस्सी को स्ट्रिंग को काटते ही उसमें टेंशन जीरो हो जाता है स्प्रिंग को काटते हैं उसमें टेंशन जीरो हो जाएगा तो बेटा ये इसका टेंशन जीरो और इस पर सिर्फ एम जी लगेगा तो ये फ्री फॉल कर जाएगा तो बी विल फ्री फॉल जो बी ब्लॉक है वो नीचे गिरेगा जी एस से ये तो तय बात है क्लियर है ओके okay. अब थ्री एम की बात करेंगे थ्री एम की बात करेंगे तो थ्री एम पर रस्सी को काटते ही उसमें टेंशन जीरो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स बचेगा थ्री एम जी और स्प्रिंग को तो मैंने काटा नहीं है इसको काटा है ना इस पर इफेक्ट थोड़ी देर बाद पड़ेगा इसको तो काटा ही नहीं मैंने तो इस पर फोर्स फोर एम जी एज इट इज रहेगा इसको जस्ट काटने के बाद तो सर नीचे थ्री एमजी ऊपर फोर एम जी तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा नेट फोर्स ऊपर बचेगा एम जी। तो एम जी बराबर ऑब्जेक्ट का मास थ्री एम इन ए एम से एम कटेगा ए बराबर आ जाएगा जी बाई थ्री तो जो ए ब्लॉक है वो जी बाई थ्री से नीचे जाएगा और जो बी ब्लॉक है वो जी से फ्री फॉल करेगा बताओ क्लियर है कि नहीं बताओ क्लियर है कि नहीं बेटा सही है क्या तो क्या आंसर चला जाएगा आपका फोर्थ आंसर क्या चला जाएगा आपका फोर्थ क्लियर है ओके okay, सर आसान है क्लियर है और बहुत अच्छा है अच्छा इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगा के भी आंसर देख सकते थे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है छोटा सा हमारे बहुत सर क्या देखो अगर मैं इसको काटता हूं तो ये तो फ्री फॉलो के नीचे गिरेगा तो बी का ऐसे तो जी आ गया तो ये आंसर हो नहीं सकता ये आंसर हो नहीं सकता ये या ये में एक आंसर होगा और जो ए है उस पर तो स्प्रिंग फोर्स लगता ही रहेगा हां वो तो फ्री फॉल नहीं कर सकता तो उसका सिलेशन जी तो नहीं होगा तो ये गलत ये गलत ये गलत तो चौथा आंसर तुम अगर इतना भी सोच पा रहे हो तो फर्दर कैलकुलेट करने की तुम्हें जरूरत नहीं है डायरेक्ट आप फोर्थ आंसर टिक कर सकते हैं समझ रहे हो आइए इक्लिवेरियम के बहुत सारे केसेस हमने देख लिए बहुत सारे केसेस आपने पहले से भी पढ़े हुए मजा आ गया अब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है एंड मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के लॉन्ग होता है मोमेंटम इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डायरेक्शन होगा इंटू तो वेलोसिटी मीटर इंपॉर्टेंट है, है यहां इलास्टिक हुआ है वो उतने ही वेलोसिटी से रिबाउंड हो गया तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा बेटा टू एमयू एमयू से गया MU से वापस आ गया तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया टू एमयू मान लो एम मास का ऑब्जेक्ट यू वेलोसिटी एक्स में जा रहा कहीं पर कोलिजन हुआ और यूसिटी सेम एंगलटी डिग्री तो रूट टू एमयू हो जाएगा अच्छा मान लो एम मास का ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से जा रहा है चलते 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 चलते, चलते जाके के रुक गया मतलब रेस्ट में आ गया यहां पे टकरा के रोक रुक गया परफेक्टली इलास्टिक है तो इसमें चेंज इन मोमेंटम क्या होगा फाइनल जीरो और इनिशियल एमयू तो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो एमयू आएगा क्या ये क्लियर है क्या ये क्लियर है क्लियर है चलो आगे देखना आगे देखना न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें तो न्यूटन सेकेंड लॉ इज द लॉ ऑफ डायनेमिक्स मतलब ये मोशन की बात करता है ध्यान से देखिएगा ये है मोमेंटम और ये है बेटा आपका फोर्स क्लियर है यह है मोमेंटम और यह है फोर्स जब हम मोमेंटम को डिफरेंसिएट करेंगे मोमेंटम को डिफरेंसिएट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा फोर्स मतलब डीपी बाई डी टी इज कॉल्ड फोर्स सही बात है कौन सा फोर्स मिलेगा इंस्टेंटेनियस फोर्स और डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ तो फोर्स इज नथिंग बट स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ सर तो बड़ा अच्छा हुआ कैसे तो मोमेंटम को डिफरेंशियट करेंगे तो फोर्स मिलेगा फोर्स को डिफरेंशियट करेंगे तो नाली मिलेगा तो आगे डिफरेंशियट मत करना और इसके साथ साथ डिफ्रेंशिएशन के साथ साथ एक और सीख आपको मिला सर क्या आप फोर्स टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं होता है फोर्स ग्राफ का स्लोप नहीं देखेंगे स्लोप किसका देखेंगे मोमेंटम ग्राफ का अगर हम फोर्स को इंटीग्रेट करें देखिए एफ डॉट डी टी इंटीग्रेट करें किसी t1 से t2 तक तो ये क्या देगा सर मोमेंटम नहीं हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है इंस्टेंट पर नहीं होता डिफ्रेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम तो फोर्स आ जाएगा सिंपल लेकिन इंटीग्रेशन आप एक लिमिट में कर रहे हैं तो ये आपका आएगा बेटा चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी सर इंटीग्रेशन का मतलब तो एरिया ऑफ द कर्व होता है हां तो एरिया ऑफ ग्राफ एफटी ग्राफ का एरिया इंपॉर्टेंट है बट ग्राफ का स्लोप इंपॉर्टेंट नहीं है एरिया ऑफ एफटी चेंज इन मोमेंटम सर अगर हम मोमेंटम को इंटीग्रेट करते तो पीडीटी मजा नहीं आ जाएगा हां नाली में परेम मिलोगे मतलब मोमेंटम ग्राफ का एरिया नाली होता है और फोर्स ग्राफ का स्लोप नाली होता है इस डायग्राम से तुम्हें क्या सीखने को मिला इस डायग्राम से सर एक ही एरो में सारा काम हो गया हमारा सारा काम कैसे हो गया मोमेंटम को डिफरेंशियट करेंगे तो हम फोर्स तक जाएंगे एंड डिफ्रेंशियन का मतलब होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ पीटी ग्राफ का स्लोप फोर्स होगा फोर्स को हम डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते तो फोर्स टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं बताएगा फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है तो एफ डॉट डी टी और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया तो एरिया ऑफ ग्राफ इज चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम का ही दूसरा नाम है बेटा इंपल्स सिंपल इंपल्स इंपल्स इन चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम है मतलब फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया इंपल्स को भी बताएगा अब मोमेंटम को इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा नाली पता मजा आया कि नहीं आया ठीक है दूसरी बात यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट हम देखते हैं

प्लस वेलोसिटी को कांस्टेंट रखे मास को डिफ्रेंसिएट करे तो एक्चुअल में फोर्स का बनता है तो अगर कोई सिस्टम में मास और वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहा होगा तो उस पर नेट फोर्स ये दोनों का सम लगेगा लेकिन सर मान लो कि मास कांस्टेंट है तो अगर सिर्फ मास कांस्टेंट है तो फोर्स का फॉर्मूला सिर्फ ये वाला आएगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट और मास वेरिएबल है मास यहां पे देखिए वेरिएबल है जैसे रॉकेट प्रपलशन वेरिएबल मास सिस्टम का एग्जाम्पल है अगर मास वेरिएबल है तो फोर्स आएगा वी इंटू डी इंटू डी एम बाई डी टी कब लगाएंगे जब मास वेरिएबल है मास है तो ये लगाएंगे अगर मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हो किसी सिस्टम का तो हो सकता है ऐसा हाइपोथेटिकल सवाल बना ले किसी इंस्टेंट पे मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल बना दे तो आप इस तरीके से फोर्स निकालेंगे क्लियर क्लियर ये बात समझ में आया बेटा चलिए अब करते हैं सवाल वो भी तावर तोर इंपल्स आप जानते हैं इसको माई से रिप्रेजेंट करते हैं इंपल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम एफ डॉट डी टी एरिया ऑफ एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ इज इंपल्स एफ टी ग्राफ इज इंपल्स नेक्स्ट देखिए बेटा ये ग्राफ बनाया हमने क्या बनाया ग्राफ द फिगर सोन द फोर्स वर्स टाइम ग्राफ फॉर द पार्टिकल फाइंड द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बहुत सुंदर फोर्स टाइम ग्राफ बना के एवरेज फोर्स पूछा है शानदार सवाल फोर्स टाइम ग्राफ बना के एवरेज फोर्स पूछा है कैसे करोगे कैसे करोगे जल्दी जल्दी जल्द बताओ तो यहां पर बेटा एवरेज फोर्स आपका होगा चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेक बताए फोर्स टाइम ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है तो फोर्स टाइम ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है तो इस ग्राफ का एरिया चेंज इन मोमेंटम बताएगा एरिया निकाल लो एरिया हो जाएगा हाफ बेस हो जाएगा आपका पॉइंट फोर हाइट हो जाएगा हंड्रेड हाफ बेस हो जाएगा पॉइंट फोर हाइट हो जाएगा हंड्रेड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन तो टाइम तो आपका पॉइंट फोर है पॉइंट फोर से पॉइंट फोर काट दो हंड्रेड 2 इज इक्वल टू फिफ्टी न्यूटन आंसर आ गया एवरेज फोर्स इतना लग रहा है फिफ्टी न्यूटन मैंने गलत किया है क्या सही तो किया यार यार दो सौ कैसे है आंसर पूर्वक नेक्स्ट देखो सेम फोर्स सेम फोर्स एक्ट ऑन अ टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस, एट के जी एंड टेन के जी इनिशियली एट रेस्ट मतलब दो ऑब्जेक्ट है एट के जी का और टेन के जी का दोनों रेस्ट में और दोनों पे सेम फोर्स लगा है द रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू एक्वायर रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू एक्वायर सेम फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम फाइनल वेलोसिटी एक्वायर कर ले रहे हैं तो कितने टाइम के बाद दोनों सेम फाइनल वेलोसिटी करेंगे ये बताइए ठीक है करते करते हैं करते हैं बेटा ये रेस्ट में था पहले तो हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी टी बराबर डेल्टा पी सिंपल है सर फोर्स तो सेम लगा हाँ हा? तो फोर्स सेम इंटीग्रेट कर दो सर इनिशियल मोमेंटम भी जीरो था तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो फोर्स बाहर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा टी वन इज इक्वल टू एम वन वी सेम वेलोसिटी गेन करना है तो फाइनल सेम होगी दूसरे केस में फोर्स एफ टाइम टी टू बराबर एम टू इन टू वी डिवाइड कर दो एफ से एफ कटेगा वी से वी कटेगा तो टाइम का रेशियो उनके मासेस के रेशियो में आएगा आठ बटा दस मतलब चार बटा पांच यह आंसर आएगा क्लियर है क्या बेटा क्लियर है क्या कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना बड़ी आसानी से और स्मूथली आप लिख सकते हैं एफ डॉट डी टी बराबर डेल्टा टी इंटीग्रेशन से फोर्स को आप बाहर निकाल लेंगे क्यों क्योंकि फोर्स 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 तो तो लग लग रहा रहा है 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 और और दोनों पे सेम सेम एक टू बॉडी तो बाहर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपल उधर मतलब DP का ऑफ कोर्स सॉरी मैंने तो तो नेक्स्ट तो देखिए मैग्निट्यूड ऑफ इम्पल्स डेवलप्ड बाई द मास ऑफ मैग्निट्यूड ऑफ इम्पल्स डेवलप्ड बाई द मास जीरो पॉइंट टू के जी विच चेंजेड इट्स वेलॉसिटी फ्रॉम चेंजेड इट्स वेलॉसिटी फ्रॉम इतना मीटर पर सेकेंड टू इतना मीटर पर सेकेंड इज मैग्निट्यूड ऑफ इंपल्स तो इंपल्स तो होता है चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स होता है बेटा चेंज इन मोमेंटम

और यहां पे वैल्यू निकालेंगे ठीक है ये आपको होमवर्क दे देता हूं बहुत सारे कंसेप्ट आगे पढ़ने भी है ना ये बढ़िया सवाल है एक बार ये करके बताइए क्या है सवाल ध्यान से देखिएगा पार्टिकल पार्टिकल ऑफ मास मास एट रेस्ट तो m का है वो है बेटा रेस्ट पर रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स एफ फॉर टाइम टी इस पर एक कॉन्स्टेंट फोर्स लगाया एफ कितने टाइम तक फॉर टी टाइम टाइम इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इंटरवल ऑफ टी समय के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी एक बात बताओ फोर्स दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है तो मोमेंटम लिख सकते हैं कि सर मोमेंटम तो सिंपल हो जाएगा सर एफ टी इंटीग्रेट करके ले आओ और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं पी स्क्वायर बाई टू एम तो हम कह सकते हैं पी हो गया एफ टी तो पी स्क्वायर हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर टी स्क्वायर बाई टू एम जब आपको जब आपको फोर्स और टाइम दिया हो और काइनेटिक एनर्जी पूछे तो मत निकालो पहले मोमेंटम निकालो काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर 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 आ जाएगा M, M, आपका आंसर आएगा आपको अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा वर्क एनर्जी पावर तो मैंने एक आपको बताया था मैंने आपको बहुत सा खूबसूरत सा बताया था कि देख भाई अगर तुम्हें फोर्स और टाइम दिया हुआ है कुछ भी पूछे तो मोमेंटम पे जाए एक बार काइनेटिक एनर्जी पूछे वेलोसिटी पूछे मोमेंटम पूछे मोमेंटम पे जा अगर तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो सिंपल तुम वर्क या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे जाओ अगर तुमसे मोमेंटम पूछा है तो मोमेंटम बाद में निकाल लेना क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ है ना भाई डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ ना भाई याद आया याद आया कि फोर्स और टाइम दिया है तो मोमेंटम के बारे में सोचेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचेंगे उसी सोच का एक ये नमूना था क्लियर है नेक्स्ट

फाइनली था इनिशियल था दस फाइनल हो गया दो, तो दो माइनस दस बटा चार तो माइनस दो गलत है माइनस दो नहीं आएगा क्या आंसर आएगा थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों देखो ध्यान से तुम तो शायद वही दे रहे होगे, गे माइनस थ्री दे रहे होगा मुझे पता है मैंने तो जान के गलती किया जो बच्चे कुछ गलती कर देते ओ भाई ऑप्शन भी नहीं दिया माइनस टू पकड़ा गया है <laughs> <laughs> कम से कम ऑप्शन तो दे देता है यार ताकि बच्चे गलत टिक करें <laughs> कोई बात नहीं सर ये कैसे हुआ तो उसने बोला अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी गेन किया है तो ये एक्चुअली आएगा आके सॉल्व होगा क्लियर है क्या ये मैंने गलत सॉल्व किया नेक्स्ट फाइव के जी ब्लॉक रेस्टिंग ऑन अ फिक्सन ए सर्फेस इट इज स्टॉक बाई रेस्टिंग ऑफ वॉटर एट अरेट थ्री के जी मीटर पर सेकेंड जैसे मान लो एक पाइप है इस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए उससे एक लिक्विड फ्लो कर रहा है डेंसिटी का विथ वेलोसिटी वी विथ वी तो यहां पे इस पाइप से लिक्विड बाहर निकल रहा है से. मतलब कुछ ऑब्जेक्ट कुछ मास पर सेकेंड बाहर निकल रहा है हाँ? तो बाहर क्यों जा रहा है तो अंदर का मास बाहर वाले पे फोर्स लगाएगा तो बाहर जो लिक्विड निकल रहा है वो पाइप पर फोर्स लगाएगा तो इस पर दो तरह के सवाल पूछते हैं कि किसी लिक्विड को ए क्रॉस सेक्शन एरिया से जिसका डेंसिटी रो है वी वेलोसिटी से फ्लो कराने के लिए कितना फोर्स लगेगा तो याद रखना रो ए वी स्क्वायर दूसरा सवाल ये पूछ सकते हैं कि अगर पाइप है ए क्रॉस सेक्शन एरिया का रो डेंसिटी का लिक्विड है वी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है तो पाइप को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा रो ए वी वी स्क्वायर ठीक है अब इधर आओ यह दूसरा सवाल है थोड़ा सा इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यह तुम्हारा है मार रट्टा इसको याद रखना ये देखो क्या फाइव के ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन अ लेस प्लेन फाइव के का ब्लॉक है एक फ्रिक्शन प्लेन पर रेस्ट कर रहा ठीक है इट इज स्टक बाई जेट रिलीजिंग वॉटर एट अ रेट अजी पर सेकेंड यहां पर वर्टर आके गिर रहा है जो वोटर पर सेकेंड मास निकल रहा है डीएम बाई डी टी वो है थ्री के जी पर सेकेंड इमर्जिंग विद अ स्पीड फोर मीटर पर सेकेंड इसकी वेलॉसिटी है फोर मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट द इनिशियल इनिशियलेशन ऑफ द ब्लॉक तो सबसे पहली बात इस वोटर जो जा रहा है वी वेलोसिटी से जिसका मास पर सेकेंड है dt, कितना लगाएगा? तो फोर्स हो जाएगा वी इंटू डी एम बाई डी टी वेटी चार डीएम बाई डी टी थ्री आ गया ट्वेल्व न्यूटन तो ट्वेल्व न्यूटन का फोर्स इस पे लगा तो एसे बराबर हो जाएगा ट्वेल्व बाई फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसेलेशन क्या हो जाएगा ट्वेल्व बाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्लियर है 2.4, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही जवाब है, चीते बिल्कुल सही जवाब है नेक्स्ट न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में समझ लेते हैं बेटा ध्यान से देखना तुम बहुत होशियार बच्चे हो अगर एक छोटा सा सवाल कुछ ऐसा पूछता है कि एक एम मास का ब्लॉक अर्थ सरफेस पे रखा है ठीक है तो एम मास पर नॉर्मल ऊपर लगेगा और एम मास की से ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे लगेगा इस पर एम नीचे लगेगा तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी नॉर्मल उसको बैलेंस करेगा क्या नॉर्मल और एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर है इज एन एंड एमजी रिएक्शन पेयर आर एक्शन रिएक्शन पेयर क्या नॉर्मल एंड एमजी रिएक्शन पेयर नॉर्मल एंड एमजी रिएक्शन पेयर यस और जवाब यस एंड नो में जवाब दीजिएगा yes no क्या नॉर्मल एंड एमजी एक्शन रिएक्शन पेयर है तो एक बहुत सुंदर सी बात बताता हूं कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ है। मतलब होगा कहीं लिखा हुआ है। <laughs> मैंने नहीं पढ़ा है तुम भी नहीं देखे होगे क्या रिएक्शन के बारे में नौवीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो लेकिन जोरदार चीज मैं बताता हूं रिएक्शन पेयर वही फोर्स बना सकते हैं जो एग्जैक्टली सेम नेचर का मतलब, मतलब, हो मतलब मतलब सेम नेचर ऑफ फोर्स हो मतलब अगर तुम्हारा एक्शन नॉर्मल है तो उसका रिएक्शन एमजी नहीं हो सकता अगर एक्शन तुम्हारा ग्रेविटेशनल है तो उसका रिएक्शन नॉर्मल uh, नहीं हो सकता एमजी ही होगा अगर तुम्हारा एक्शन टेंशन है तो रिएक्शन टेंशन ही होगा नॉर्मल नहीं होगा फ्रिक्शन नहीं हो नहीं होगा होगा फोर्स मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर ऑफ फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर मस्ट बी ऑफ सेम नेचर ऑफ फोर्स बाकी तुमने सब कुछ पढ़ा होगा क्या देखो ये फोर्स के नेचर को डिफाइन करता है कि फोर्स हमेशा पेयर में रहता है देयर इज इक्वल एंड अट रिएक्शन देखो

पूछ लेते हैं ठीक है ठीक है एक्शन रिएक्शन एक्स ऑन अपोजिट बॉडी मतलब डिफरेंट बॉडी एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लगता है मतलब मैं अपने पर खुद एक्शन करके खुद रिएक्शन थोड़ी देखूंगा मैं तुम पे एक्शन करूंगा तुम मेरे पे रिएक्शन करना एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडी पे होता है सेम बॉडी पर नहीं होता है कंजर्वेशन ऑफ डियक मोमेंटम इज बेस्ड ऑन द न्यूटन थर्ड लॉ नेट नेट एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स फोर्स मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और सिस्टम सिस्टमेंट सिंपल कि फोर्स मेरा जीरो, जीरो, तो जीरो होगा और किसी भी चीज का जीरो हो गया मतलब क्या रहा होगा कॉन्स्टेंट वो टर्म क्या रहा होगा कॉन्स्टेंट हो और इसी पे बेस्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और, और न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड एक जोरदार कंसेप्ट आता है पहले ये सवाल कर लो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ द पार्टिकल इज जीरो देन फ्रॉम द देन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम वन कैन फ्रेमी से दैट लीनियर मोमेंटम द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम सही बात है लीनियर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते <laughs> अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है ठीक है ना अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का या बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है क्लियर है बात समझ लो एकदम एंगुलर मोमेंटम द सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम अरे एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब टॉर्क जीरो होता है पोटेंशियल सिस्टम डज नॉट चेंज भाई काइनेटिक चेंज होगा तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा मान लो कोलिजन में क्या होता है भाई कि एक बॉडी जाके दूसरे को धक्का मारता है तो एक बॉडी जब दूसरे को धक्का मारता है तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसमें पोटेंशियल चेंज होता है कि नहीं होता है हाँ तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स पोटेंशियल कैन चेंज विदाउट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कैन चेंज बट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स मोमेंटम कैन नॉट चेंज भाई मरे समझ रहा है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स बहुत बढ़िया सवाल है कहने को छोटा है हा आंसर फर्स्ट होगा हाँ आंसर फर्स्ट होगा लेकिन यह भी सीखो यह भी सीखो कि विदाउट एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो है तो सिर्फ इंटरनल फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकता है क्लियर है नेक्स्ट नेक्स्ट गन बुलेट सिस्टम मान लीजिए कि आपका गन है ये आपका गन है गन का मास है कैपिटल एम और इसके अंदर ट्रिगर कहा है भाई ये ट्रिगर है इसके अंदर बुलेट है इसका मास है कैपिटल एम बुलेट का मास है स्मॉल जैसे ही तुमने बुलेट को फायर किया जैसे ही एम मास के बुलेट को यू वेलोसिटी से फायर किया गन किसी यू वेलो, आ, वी वेलोसिटी से रिक्वायर होगा रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन तो इसमें हम कहते हैं कि इनिशियली सिस्टम का मोमेंटम जीरो था तो फाइनली भी सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा जीरो ही होगा तो जितना मोमेंटम गन लेके बुलेट लेके आगे जाएगा उतना ही मोमेंटम गन पीछे लेके जाएगा गन एंड बुलेट का मोमेंटम दोनों का क्या होगा सेम होगा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो अब मैंने एक सवाल भी पूछा था कि मान लो कि मैंने बुलेट फायर किया तो बुलेट और गन का जो मोमेंटम होगा वो तो सेम होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम सेम होगा नेट मोमेंटम जीरो करने के लिए जितना मोमेंटम ये आगे लेके जाएगा एम यू उतना ही मोमेंटम बुलेट पीछे लेके गन पीछे लेके जाएगा एम इन टू मास ऑफ गन इन टू वी अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लगा सकते हो तो वेलोसिटी ऑफ गन हो जाएगा माइनस एमयू वाई कैपिटल एम इसी को कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा गन का कि बुलेट का तो आप कहेंगे बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्यों

सेकेंड यह है मास ऑफ बुलेट मास ऑफ बुलेट बुलेट एंड यू इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्लियर है क्या तो इसमें कितनी चीजें याद रखनी है तीन चीजें याद रखनी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जितना मोमेंटम गन लेके पीछे जाएगा उतना ही बुलेट लेके आगे जाएगा काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बुलेट की ज्यादा होगी गन की कम होगी रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन ये आएगा निगेटिव साइन डायरेक्शन को बताएगा फोर्स ऑन द गन अगर एन बुलेट पर सेकेंड फायर हो रहा है तो एन एम यू फोर्स ऑन अ गन होगा गन को होल्ड करने के लिए रेस्ट में रखने के लिए हमें एन एम यू फोर्स लगाना पड़ेगा वेयर इन इज द नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड वेयर एन इज द नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड क्लियर है क्या बेटा यह बात क्लियर है क्या यह बात क्लियर है नेक्स्ट देखिए अब देखिए सवाल फाइव थाउजेंड बॉल्स <laughs> कितने बॉल्स है फाइव थाउजेंड बॉल्स इच्छ वेटेड थ्री ग्राम सबका मास थ्री ग्राम है बॉल का मास थ्री ग्राम है स्ट्राइक्स ऑन स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया स्ट्राइक्स ऑन स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पर सेकेंड वन स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया पे फॉल कर रहा है विदोसिटी वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑन द इज देखो एक बात सुनो ध्यान से बॉल या बुलेट कुछ भी मान लो अगर मान लो एक बॉल एम मास का बॉल जाके कोलाइड करके जितनी वेलोसिटी से गया है यू से उतनी से रिबाउंड हो गया तो इस केस में जो इस पर फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स लगेगा टू एन ये कहां से जहां से ये आया है, तो सर यहां तो सिर्फ है हां अगर एन बॉल या एन बुलेट पर सेकेंड जा रहा है एम मास है उसका यू वेलोसिटी है तो फोर्स होगा गया एनएमयू अब ये रिबाउंड भी तो हो रहा है इसलिए फोर्स टू एनएमयू हो गया तो ये टू 5000 थाउजेंड बल बॉल इच वेटेड इतना ग्राम स्ट्राइक वन सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब टाइम वन सेकेंड है तो 5000 हजार बॉल्स पर सेकेंड आ गया मास बोलो सर दो ग्राम है तो ग्राम को नीचे थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दो केजी हो जाएगा जा, सॉरी डिवाइड कर दो केजी हो जाएगा इनटू वेलोसिटी टू हंड्रेड मीटर पर सेकंड टू हंड्रेड मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया तो इतना फोर्स तुम्हारा लग रहा होगा ध्यान से करो एक दो तीन एक दो तीन दो दूना चार दूना आठ आठ पचे चालीस तो ये हो गया तुम्हारा चालीस इन टू दावर टू इतना फोर्स लग रहा अब तुमसे क्या पूछा है भाई चालीस टिक लिया है, चार चार दोनों आठ आठ पचे चालीस सही है तो है थ्री ग्राम है ओ हो 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 सॉरी ये थ्री ग्राम है ना तीन है ये तो साठ आ जाएगा सिक्सटी आ जाएगा अब तुमसे प्रेशर पूछा है, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स फोर्स अपॉन अपॉन एरिया एरिया लिख दो था टू से पावर माइनस फोर देखो एरिया है तुम्हारा वन स्क्वायर सेंटीमीटर वन स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया वन स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ठीक है ना मतलब वन सेंटीमीटर स्क्वायर है वन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो वन सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कर लो थ्री इंटू माइनस फोर आ जाएगा है ना तो ऊपर फोर चला गया चार दो पांच एक छे तो सिक्स इंटू टेन टू दावर सिक्स के आसपास आंसर आएगा नहीं नहीं माइनस चार दो छ और एक सात सिक्स इंटू टेन टू दावर सेवन सिक्स इंटू टेन रूप प्लस सेवन ये आएगा प्रेशर ठीक है क्या ठीक है क्या बेटा सही है ना नेक्स्ट मशीन गन पढ़ो सवाल पढ़ो फटाफट फ़ड़ सवाल सॉल्व होंगे अब मशीन गन देख भाई मशीन गन की बात चल रही मशीन गन इज माउंटेड ऑन अ टू थाउजेंड के जी कार ऑन अ फिक्सन एस सरफेस एट सम इंस्टेंट गन फायरस बुलेट ऑफ मास दस ग्राम थ द वेलॉसिटी ऑफ 500 हंड्रेड मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू द कार द नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकंड इज टेन द नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकंड इज टेन द एवरेज थर्स्ट ऑन सिस्टम इज एवरेज थर्स्ट ऑन सिस्टम इज एनएमएम सिंपल सी बात एन बोलो तो टेन बुलेट पर सेकेंड दस बुलेट का मास दस ग्राम मतलब दस डिवाइडेड बाई टेन टू दावर थ्री के जी में कन्वर्ट करेंगे वेलॉसिटी फाइव हंड्रेड

50 न्यूटन एकदम बायो यो वाला कैलकुलेशन किया मैंने ओह बायो यो, 50 न्यूटन आ रहा सही है सही है सही है 50 न्यूटन सही है चलो 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 आगे चलो आगे चलो अब थ्रस्ट फोर्स रॉकेट प्रॉब्लम देखो बेटा रॉकेट प्रॉब्लम ना बड़ा आसान है रॉकेट प्रॉब्लम बड़ा आसान है देखना ध्यान से ये रॉकेट है रॉकेट का मान लो इनिशियल मासनोट है और ये पर सेकेंड गैस बर्न कर रहा है डीएमआईडी डीएमआई टू अल्फा बर्निंग ऑफ मास ऑफ गैस बर्निंग पर सेकेंड मास ऑफ गैस बर्निंग पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ गैस इज एक्टिंग फ्रॉम द रॉकेट इज यू मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू तो रॉकेट ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस तो इस पर अफथर्स्ट फोर्स कितना लगेगा ऊपर की तरफ जो इस पर अफथर्स्ट फोर्स होगा कितना होगा तो ये गैस मतलब लिक्विड है फ्लूड है सॉरी फ्लूड है उसको बाहर निकालने के लिए रॉकेट कितना फोर्स नीचे लगा रहा होगा डीएम बाईड इंटू वी यही तो फोर्स ऑन अ गैस होगा U इंटू डीएम बाईड और जितना गैस पर फोर्स लग रहा होगा U इंटू डीएम बाईड उतना ही फोर्स रॉकेट पर लगेगा यू इंटू डीएम थ्रस्ट फोर्स है आप जानते हो रॉकेट प्रॉब्लम इज अ केस ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम रॉकेट प्रॉब्लम इज अ केस ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम तो U into dm by dt क्या हो जाएगा यू इंटू डीएम बाई डी आपका फोर्स हो जाएगा तो एसिलेशन क्या आएगा सर अब थ्रस्ट फोर्स बटा मास बटामासन आ गया अरे भाई फोर्स तुम्हारा आ गया यू इंटू डी एम नॉट बाई डी टी बटामासन एट इज इक्वल टू जीरो पे एटीज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल एसिलेशन होगा फोर्स बटा मास बटामासन सर माइनस जी क्यों किया क्योंकि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी तो यहां पे प्रेजेंट है अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात करो ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात करो ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात करो तो एसिलेशन आ जाएगा तुम्हारा यू इंटू डी एम बाई डी टी बट आई नॉट यू इंटू डी एम बाई डी टी नॉट यह आ जाएगा क्लियर है क्या ओके सर सर टी टाइम के बाद क्या होगा इसका एसिलेशन हां ये भी पूछते हैं आफ्टर टाइम टी अब मुझे बताना जरा ध्यान से देख के आफ्टर टाइम टी अगर मैं एसिलेशन देख रहा हूं इसमें से क्या चेंज होगा इंटू dm बाईडी टी चेंज होगा क्या नहीं आफ्टर टी सेकेंड भी गैस तो उसी रेट से बर्न हो रहा होगा तो टी समय बाद ये तो चेंज हो नहीं रहा यू dm डीएम बाईड ही रहेगा अच्छा ओहो आफ्टर टाइम टी आफ्टर टाइम टी जो एक्सलेशन है वह यू dt पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा नहीं सर माइनस ग्रेविटी तो तो उतना ही रहेगा चेंज तो क्या हुआ सर रॉकेट का मास ना कुछ बर्न हो गया पर सेकेंड कितना T DM dt. ये आएगा। तो फिर से फेस लिख देता हूं जब टी टाइम के बाद एसिलेशन देखोगे तो अब थ्रस्ट फोर्स तो उतना ही रहा तो ये वाला टर्म तो वही आएगा बटा

कितना आसान होगा फील करो इस बात को क्लियर है क्या ये बात अब देखो सवाल एकदम जोरदार धुआंधार सवाल है क्या 800 हंड्रेड के जी रॉकेट इज फायर फ्रॉम द अर्थ सो दैट एग्जॉस्ट स्पीड इज बारह सौ मीटर पर सेकेंड ऑक कैलकुलेट मास ऑफ फ्यूल बर्निंग पर सेकेंड प्रोवाइड इनिशियल थ्रस्ट टू ओवरकम इट्स वेट ओ हो मतलब इसको उड़ाना नहीं है

समझ में आया बेटा समझ में आया समझ में आया बेटा ओके नेक्स्ट देखिए रॉकेट प्रॉब्लम फ्यूल रॉकेट का एक, एक और दो सवाल और होगा रॉकेट का चलो आ जाएगा मैं करा दूंगा लेकिन रॉकेट में याद रखना यही फॉर्मला लगेगा तुम्हारा इनिशियल एसिलेशन ये टी टाइम के बाद एसिलेशन ये बहुत आसान है ना बेटा

और ये पूरा का पूरा लिफ्ट मान लो ऊपर एसिलरेट हो रहा है कितने एसिलेशन से जा रहा है एसिलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इस केस में इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो क्या होगा तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगा एन बराबर एम जी प्लस एम ए इसको जी इफेक्टिव से भी लिख सकते एम बाहर जी प्लस ए हो जाएगा जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी अगर लिफ्ट नीचे आती तो लिफ्ट इज एसिलेटिंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड तो एन बराबर आ जाता एम जी माइनस अगर लिफ्ट रेस्ट में होता या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता ऐसे सवाल पूछ लेते हैं बच्चे घबरा जाते हैं और गलत कर देते हैं और लिफ्ट के अंदर एम मासिफ्ट कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी से लिफ्ट क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू होगी ना वो बेटा एम के बराबर ही रहेगी क्योंकि लेसन तो जीरो है तो यहां पर कोई एम एड नहीं होगा क्लियर अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आता है इंपॉर्टेंट बात आती है मान लो ये है तुम्हारा कलुआ और ये है रामलाल रामलाल ग्राउंड में इसको लिफ्ट में बैठने का मौका नहीं मिला अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो नॉर्मल निकाला है हमने ये केस तो अलग है लिफ्ट इज डाउनवर्ड एसिलेटिंग और वो अलग है इस केस की बात करें ये जो हमने नॉर्मल निकाला है ये रामलाल के रिस्पेक्ट में निकाला है कि कल्लू के रिस्पेक्ट में निकाला है दोनों के रिस्पेक्ट में सेम आएगा कि ये कलुआ के रिस्पेक्ट में रामलाल के रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में ये आंसर सही है है ना ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो नॉर्मल रिएक्शन जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती तो आपको पता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही तो फोर्स से करो या किसी भी तरीके से करो ये आ जाएगा तो ये किसके रिस्पेक्ट में है कलुआ के रिस्पेक्ट में कि रामलाल के रिस्पेक्ट में ये किसके रिस्पेक्ट में एक बार बताइए प्लीज किसके रिस्पेक्ट में हम्म बताओ 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 किसके रिस्पेक्ट में बोथ अब जितने लोगों ने कलुआ बोला था या रामलाल बोला था जितने लोगों ने ये बोला था अगले पांच मिनट तक अपने एक पैर को आराम देंगे और एक पैर को कष्ट देंगे और इस तरीके से खड़े हो जाएंगे जल्दी से अगले पांच मिनट तक एक पैर पे खड़े हो जाएंगे गधो ये रामलाल और कल्लू दोनों के रिस्पेक्ट में नॉर्मल सेम आएगा विथ रिस्पेक्ट टू बोथ दोनों के रिस्पेक्ट में सेम आएगा अपने एक पैर को कष्ट देंगे और एक पैर को आराम देंगे है ना और अगले पांच मिनट तक एक पैर पे खड़े होके लेक्चर देखेंगे जिन लोगों ने बोला है सिर्फ रामलाल या सिर्फ कलुआ अगले पांच मिनट तक एक पैर पे खड़े होके लेक्चर देखेंगे जो चार हजार लोग देख रहे हैं सबके सब पैर जमीन पे रखने की अनुमति नहीं है तुम्हें चलो ये देखो मैन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस हिज वेट इज केजी रिकॉर्डेड मतलब नॉर्मल बराबर होगा एम 40 केजी है इफ द लिफ्ट इज एसे 2 मीटर रिकॉर्डेड ऑन द मशीन इज बहुत आसान है एन इज इक्वल टू एम जी प्लस है तो मास तुम्हारा रहा होगा चार चार दस प्लस दो बारह बारह चौकअतालीस फोर्टी एट के जी वेट फोर्टी एट के जी वेट इज योर करेक्ट आंसर बहुत आसान है क्या बहुत आसान है क्या चले नेक्स्ट देखतेजीड अपल विथ एसेन पुलडेड अपडेड अपवर्ड विबल विथ एसेलरेशन ऑफ फाइव मीटर स्क्वायर टेकिंग जीज इक्वल टू विन टेंशन इन द केबल इज बता भाई अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट का मास है ऑब्जेक्ट का मास है सिक्स थाउजेंड के जी सिक्स थाउजेंड के जी

मैं गलत सॉल्व कर रहा था तुम्हें भी बताओगा लेकिन यार गलत आए तो सही एक भी ऑप्शन गलत नहीं दिया बड़े शरीफ लोग हैं यार ये मान लो केबल में टेंशन टी है तो वर्टिकली ऊपर ले जाने के लिए एमजी नीचे भी तो लग रहा होगा तो यहां टी माइनस एमजी ऊपर वाला फोर्स टी माइनस एमजी बराबर एम ए तो यहां से टेंशन बराबर हो जाएगा एम जी प्लस एम ए एम बाहर सिक्स थाउजेंड जी की वैल्यू दस ए की वैल्यू पंद्रह पंद्रह छह का नब्बे नाइन के टर्म्स में आंसर आएगा नाइन थाउजेंड डी इज योर करेक्ट आंसर नीट में जब आप करेंगे तो गलत के टर्म्स में भी तो एक आंसर होना चाहिए मेरा पोपट नहीं कटा है चल आपका पोपट कटा है मेरा क्या पोपट कटा इसमें मैं तो तेरा काटना चाह रहा था लेकिन जो सवाल में ऑप्शन है वो सुटेबल नहीं है चलो फटाफट आके देखते हैं अब है कनेक्टेड बॉडी मोशन कनेक्टेड बॉडी मोशन में एक शानदार चीज सिखाता हूं देख कनेक्टेड बॉडी मोशन में एक शानदार चीज सिखाता हूं देखो मान लो ये ओरिजेंटल सरफेस है ठीक है सर हॉरिजॉन्टल सरफेस है यहां पर तीन ब्लॉक रख लिया हमने टका टक एक ब्लॉक ये, ये है का M2 मास का मास और तीसरा ब्लॉक बेटा ये है तीसरा ब्लॉक ये ध्यान से सुनना मान लो ये मास है एम वन ये मास है एम टू मास है एम थ्री इस पर मैंने फोर्स लगाया एफ इस पर मैंने फोर्स लगाया एफ सरफेस स्मूथ है तो आपसे पूछा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड मास फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स फोर्स बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड मास तो इस तरह के सवाल में आप सबसे पहले क्या करते हैं कि यही एक्सटर्नल फोर्स तीनों को एक सिस्टम मान लेंगे तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ बटा नेट मास ये सिस्टम का कैंसिलेशन हो जाएगा तो नेट फोर्स एफ डिवाइडेड बाई नेट मास वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री यह कॉमन एसिलेशन है सबका क्या तीनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे हाजी तीनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे अब बात करते हैं कि एम टू और एम थ्री के बीच में कितना नॉर्मल होगा तो इसके लिए आप एम थ्री कैप बी डी बना लीजिए एफबीडी ऑफ एम थ्री एम थ्री कैप बी डी बना लीजिए अकेले इस एम थ्री पर फोर्स देखेंगे तो इस कॉन्टेक्ट सर्फेस पे जितना आगे फोर्स लग रहा होगा एम टू एम थ्री पे लगाएगा उतना ही एम थ्री एम टू पे लगाएगा तो एम थ्री पे नॉर्मल आगे और एम टू पर नॉर्मल आगे हम सिर्फ एम थ्री का निकाल रहे हैं तो एम थ्री पे नॉर्मल आगे यही नॉर्मल फोर्स इसको एसिलेशन दे रहा एम थ्री इन टू ए ये रहा आपका एम थ्री एम टू एसिलेशन की वैल्यू ये रही तो आप लिख सकते हैं एफ बटा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री क्या सही है ये सही है ये हां सर ये सही है अगर मेरे से पूछता एमओन और एम टू के बीच में नॉर्मल कितना लगेगा? ये कैसे तो इस एम टू पर ध्यान से देखोगे तो एम थ्री एम टू पर नॉर्मल कहां लगाएगा पीछे कॉन्टैक्ट सरफेस पे आगे वाले पे आगे पीछे वाले पे पीछे तो इस कॉन्टेक्ट पे M2 पे पर नॉर्मल कहां लगेगा पीछे और इन दोनों के वर्टिकल सरफेस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नॉर्मल लगेगा उसको डैश मान लेते डैश मान लेते तो एम वन एन टू पे एम एम टू पे नॉर्मल लगाएगा एनडेस आगे ज्यादा कौन होगा इसमें से ये बताओ कभी तुम्हें कंपेयर करने के लिए बोल दे सिर्फ बेटा इतना बोल दे सिर्फ तुम्हें इतना बोल दे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं सिर्फ तुम्हें इतना बोल दे कि इन दोनों के बीच नॉर्मल और इन दोनों के बीच नॉर्मल में वैल्यू कंपेयर करो बस कंपेयर करो कौन ज्यादा होगा तो फटाफट बताओ देख के बता सकते हो कि कौन ज्यादा होगा बेटा सिर्फ यहां पे देख के बता सकते हो कि एनडेस ज्यादा होगा कि एन ज्यादा होगा देख के बता सकते हो क्या कि एंडेस ज्यादा होगा कि एन ज्यादा होगा देख के बता सकते हो क्या चलिए बताओ रीजन के साथ रीजन के साथ देख के बता सकते हो क्या चलो अब यहां समझना चलो यहां समझना सर एंडेस ज्यादा होगा क्योंकि बॉडी आगे आगेट हो रही तो जिस तरफ इसलेशन होता है उस तरफ का फोर्स ज्यादा होता है सिंपल तो आगे वाला फोर्स एंडेस माइनस एन बराबर एम टू इन टू ए अब यहां से इंडेक्स की वैल्यू निकल जाएगी एन की वैल्यू यहां पुट कर देना तीन चार लाइन सॉल्व करके आ जाएगा क्लियर क्योंकि जिधर बॉडी एक्लरेट कर रही है उस डायरेक्शन वाला फोर्स ज्यादा होगा अब यहां पर इन सब का एक छोटा सा एमआर स्टार में बताता हूं क्या देखो बेटा रस्सी से कनेक्टेड हो या नॉर्मल रिएक्शन से चिपक के चल रहे हो जब तुम्हें यहां का कॉन्टेक्ट फोर्स पूछ रहा है तो सोचना डायरेक्टली एम स्टार से बताता हूं डायरेक्टली से बताता हूं यहां पर जो नॉर्मल होगा वो क्या करो <coughs> कि जिधर फोर्स लग रहा है उसको छोड़ो जिधर फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में में इस मास को अलग कर दो और मुझे बताओ इसको में ले जाने वाला कौन है सिर्फ ये नॉर्मल तो ये नॉर्मल बराबर हो जाएगा इसका मास एम थ्री इन टू एसिलेशन एफ बटा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री यही तो होगा फोर्स इन फोर्स बराबर मास इंटू एसिलेशन सर अगर इसका नॉर्मल एंडेस पूछा है तो इसको अलग मान लो और तुम इन दोनों को चिपका के एक ऑब्जेक्ट मान सकते हो क्यों क्योंकि एम टू एम थ्री को चिपका लोगे एम टू एम थ्री को चिपका लोगे तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गया इन दोनों को चिपका के आगे कौन ले जा रहा है तो एंडेस एंडेस बराबर आ जाएगा ये मास एम टू प्लस एम थ्री टोटल और ये दोनों चिपक के जो आगे जा रहा है इसी फोर्स से जा रहा है तो फोर्स बराबर ये मास इनटू इसका एक्सेलरेशन एफ बटा एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री तुम समझ गए क्या मैं क्या कहना चाह रहा था सर यहां से सॉल्व करके इंडेक्स वही आएगा हाँ करके देख लो वही आएगा कितने लोगों को चमका एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो चमका बस डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या करेंगे लॉजिक समझना हम पहले सिस्टम का कॉमन ए सिलेशन निकाल लेंगे उसके बाद उसके बाद अगर हम यहां नॉर्मल निकालना तो इसको अलग करेंगे ये मास इनटू इसका सिलेशन इसको अलग करेंगे तो इन दोनों को चिपका के एक ऑब्जेक्ट मान ले तो एम तो टू प्लस एम थ्री को ले जाने वाला कौन है आगे M2 प्लस M3 में ये तो इंटरनल तो तो यही आगे लेके जा रहा है तो फोर्स बराबर इंटू एशन राइट, राइट राइट अब देखो सवाल अब टेंशन ही क्यों ना हो मान लो यहां कह रहा है टेंशन टी टू है इस वायर में और इस वायर में कह रहा है टेंशन टी वन है तुमसे पूछा टी वन बाई टी टू का रेशियो मुझे एक बात बताओ क्या दोनों चिपक के एक साथ एसिलेशन चलेंगे हाँ अब सुनना जो मैं कह रहा हूं क्या इस टी वन की वैल्यू क्या होगी इसको अगर मैं बॉडी मान लेता हूं तो टी वन बराबर इसका मास एम वन और मान लो एसिलेशन तो ए बटा अगर ये टी टू पूछा है तो एक काम करो इस दोनों को एक बॉडी मान लो पीछे से तो कोई फोर्स है नहीं सर नहीं है ये T1 जितना इस पर आगे इस पर उतना ही पीछे तो ये इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स T2 बराबर क्या होगा पीछे का मास M1 प्लस एम टू इन टू कॉमन एसिलेशन से कटेगा टी वन बाई टू टू आएगा एम ओन बट एम प्लस एम टू ये आंसर चमका क्या अरे चमका क्या क्या बता रहा हूं चमका क्या फील आई इस बात की फील आई इस बात की आगे देखिए फिर आ गई फील तो आगे देखिए अब ये सवाल है सवाल को थोड़ा बड़ा करते एकदम पीएचडी हो जाएगा इस तरह के सवाल में कोई दिक्कत नहीं है वन के जी एट के जी ट्वेंटी सेवन के जी एफ इज इक्वल टू थर्टी सिक्स न्यूटन यहां लगा थर्टी सिक्स न्यूटन यहां लगाए व टेंशन टी टू इस टी टू की वैल्यू पूछी है, सुनना दो लाइन दो मतलब स्टेटमेंट लिखूंगा आंसर आ जाएगा अगर मैं इस सबको एक बॉडी मान लू तो ये इंटरनल इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स थर्टी सिक्स बट आ टोटल मास ट्वेंटी सेवन और वन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट और एट मतलब थर्टी सिक्स आ गए तो 28 और 36 तो एक्सीलरेशन आ गया तुम्हारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब यहां पे टेंशन चाहिए तो इन दोनों को एक मान लो इन दोनों को एक मान लो ना जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके पीछे वाले को एक मान लो बताओ तो टोटल मास कितना हो गया सर नौ एक्सीलरेशन कितना है 1 तो t2 आ जाएगा 9 1 9 न्यूटन क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के तन्हाई दूर करते थे गुना भाग करके गुना भाग करके गुना भाग करके नेक्स्ट अब ये सवाल है भाई साहब बहुत भयंकर अच्छा इसमें ही दे दिया है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पूरा सिस्टम चल रहा है तो क्या पूछा है टीवन एंड टी टू डिनोटेड द टेंशन इन द स्ट्रिंग देन वैल्यू ऑफ एफ इज अच्छा यहां पे एफ लग रहा है इस एफ की वैल्यू पूछिए इस एफ की वैल्यू पूछिए पूरा सिस्टम तुम्हारा वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है इस दोनों ब्लॉक के बीच में टी टू टेंशन इस दोनों ब्लॉक के बीच में टी होने तो एफ की वैल्यू पूछा है घबराने का नहीं घबराने का नहीं, एक काम करने का क्या मैं तीनों को एक मान लू हां ये इंटरनल हां ये इंटरनल हां तो नेट फोर्स एक्सटर्नल बराबर टोटल मास पांच तीन आठ दो दस दस गुना एक बराबर दस न्यूटन अब इसी तरह के सवाल में पता है क्या करते हैं कहते कि अगर ये एक से जा रहा है तो इसका एफ बी बनाए तो टी टू बराबर पांच न्यूटन आ जाएगा तो ये अगर पांच न्यूटन है और ये एक से जा रहा है तो टी वन आ जाएगा फिर टी वन आ जाएगा फिर ये भी एक से जा रहा है तो एफ माइनस टी वन बराबर सोल्व हुई इसका सॉल्यूशन भी था मेरे पास जो उधर सॉल्व किया था क्या सॉल्व किया था ये टी टू निकाला टी टू बराबर मास इंटू एसिलेशन फिर यहां से मास पता है पता टी टू आ गया फिर आ गया तो फिर टी वन आ गया टी वन आ गया तो फिर एफ आ गया गजब करते यार करूं ऐसे मजा आ जाएगा एकदम अच्छा ये सवाल है एक बढ़िया बढ़िया मैं इसका आसान वर्जन भी दे सकता था लेकिन मैंने थोड़ा मुश्किल वर्जन दिया है कि इसमें तुम अपनी एक्सपर्टीज लगा पाओ देखो अ रॉड ऑफ लेंथ l एंड मास m के रॉड ऑफ लेंथ l एंड मास m रॉड ऑफ लेंथ l मास m राइट acted by the two unequal forces f1 एंड f2 where f1 is greater than f2 तो अब दो फोर्स लग रहे हैं ये लग रहा है F1 और ये लग रहा है यहां पर एफ टू ना फिगर द टेंशन इन द रॉट एट अ डिस्टेंस Y फ्रॉम द एंड A इज गिवन वाई एंड A कहां है यह एंड A इस एंड A से Y डिस्टेंस पर यहां पर टेंशन कितना होगा ये पूछा है क्या करोगे सॉरी तो बहुत मुश्किल लग रहा है आइए करते हैं आइए करते हैं आप सबसे पहले एसिलेशन निकाल ले नेट फोर्स बाई मास वन आ गया एफ टू पीछे तो नेट फोर्स हो गया आपका एफ वन माइनस एफ टू बटामासन आ गया ठीक है अब हमें पूरे बॉडी का पता चल गया आप यहां पर टेंशन निकालना है तो आप एक काम करो इस बॉडी को अलग काट लो यूनिटरी मेथड लगाओ अगर टोटल एल है तो एक यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा स्मॉल एम बाई एल तो वाई लेक वाई हो जाएगा स्मॉल एम बाई l into y तो इसका मास पता चल गया पीछे वाला ऑब्जेक्ट इसको पकड़ के पीछे खींच रहा होगा टी टेंशन से तो पीछे वाले पे आगे लग रहा होगा मैं इसका एफबीडी बनाना चाहता हूं अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो आगे फोर्स f1 पीछे फोर्स ये t बराबर इसका मास ये रहा m y by l एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा इसका एक्सीलरेशन ये हो जाएगा f1 f2 स्मॉल m क्लियर ओके okay. अब यहां से हमें ये t निकालना है तो माइनस टी को इधर ले जाओ बाकी टर्म को इस तरफ ले आओ तो टी बराबर हो जाएगा f1 माइनस m y अच्छा इस m से m तो कट जाएगा छोड़ो तो ये हो जाएगा माइनस टी उधर चला गया ये इधर आ गया माइनस तो f माइनस y by l f1 माइनस f2 माइनस को अंदर ले जाओगे तो f1 minus y f1 by l plus y f2 by l यहां से f1 को कॉमन निकालोगे एफ वन को कॉमन निकाल लोगे तो ये आ जाएगा वन माइनस वाई बाई एल प्लस वाई एफ टू बाई एल आएगा आपका जवाब ये आएगा आपका जवाब एफ वन वन माइनस वाई बाई एल प्लस वाई एफ टू बाई एल आ रहा होगा आपका आंसर क्लियर है किससे मैच कर रहा एफ वन वन माइनस वाई बाई एल प्लस वाई बाई एल एफ टू आ रहा आंसर हाँ ज्यादा मजदूरी हो गई क्या क्या कहती है रामलाल रामलाल क्या कहती है तू रामलाल कहती है सर अगर ऐसी मजदूरी करूंगी तो मैं नीट में जाके बैठूंगी तेईस में पेपर खत्म होगा सत्ताईस में तो रामलाल को मैं बताएगी कि रामलाल थोड़ा तू सोचती यहां पे अगर क्या तुम्हें इस एंड से वाई डिस्टेंस पर टेंशन निकालना है अगर वाई जीरो होती तो अगर यहां पर वाई जीरो होती तो इसी पॉइंट पर टेंशन पूछती और इस पॉइंट पर टेंशन तो एफ वन लग रहा है तो टी बराबर एफ वन ही आना चाहिए था अगर वाई जीरो अगर वाई जीरो अगर वाई बराबर एल मान लो तो ये y की वैल्यू फिक्स नहीं कोई भी y है अगर y l के बराबर होता तो हम यहां पहुंच जाते यहां तो टेंशन f2 लग रहा है एग्जैक्टली तो टेंशन आता तुम्हारा f2 y को जीरो रखो तो f1 और y को l रखो तो f2 y को जीरो रखो चलो यहां पे जीरो रखोगे ये जीरो रखते ही ये पूरा खत्म ये खत्म जीरो रखोगे ये फोन आ रहा गजब बैठ रहा मामला अगर वाई को एल रख दो वाई को एल रख दो पे एल, एल बटा वन वन वन, वन कटेगा तो जीरो आ जाएगा वाई को एल रखोगे एल से एल कटेगा एफ टू आ गया, मामला यहां भी बैठ रहा तो रामलाल मामला बैठा कि नहीं बैठा बताओ आ? मामला बैठा कि नहीं बैठा फुल्ली ब्लॉक सिस्टम पुली ब्लॉक सिस्टम में रिसेंट ईयर खूब सवाल पूछे गए हैं तो इसको समझ लेने में कोई बुराई नहीं है पुल्ली ब्लॉक सिस्टम क्या होता है तो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम सिंपल होता है कि मान लीजिए M1 है ये M2 है M2 तो इस पर कहते हैं हम नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास इस पर नेट पुलिंग फोर्स बेटा लाएगा एम टू जी ये टेंशन हो गया ऊपर टी यहां पर नेट पुलिंग फोर्स लाएगा एम वन जी ये हो गया टेंशन टी तो नेट पुलिंग फोर्स यहां पर हो जाएगा एम टू जी माइनस एम वन जी डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू क्या हो जाएगा एम टू जी माइनस एम वन जी टेंशन की वैल्यू अगर आप निकाले तो टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं तो नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास से आप ये निकाल लेंगे और ये टेंशन की वैल्यू होगी अगर तुम्हें दो ब्लॉक के बजाय तीन ब्लॉक कनेक्ट करके दे दे अच्छा यहां भी आप देख सकते हो लॉजिक समझ सकते हो कि इफ इफ बराबर एम टू होती तो एसिलेशन क्या आना चाहिए था तो अगर m1 बराबर होता तो तो दोनों तरफ सेम मास अटैच करोगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा तो जीरो ही तो. लॉजिक देखो, देखो कितना जोरदार है अगर फ्री फॉल कर जाना चाहिए तो अगर तुम यहां पर एक लॉजिक ये मानो कि एम ऑन अगर जीरो है एम तो टू का जो आएगा जी के बराबर आना चाहिए देखो जी के बराबर आएगा एम वन को जीरो मान लो तो एम टू जी के बराबर आएगा ये तुम्हारा भी कह टेंशन की वैल्यू क्या होगा टू एम एम टू बट एम प्लस एम टू इन टू जी नेक्स्ट देखिए प्लीज ये सवाल मैंने लिखा है एक केस मैंने लगाया है कि एम मास को पुलिस के थ्रू टू एम मास से कनेक्ट कर दिया यहां पर फोर्स लगा रहा हूं वैसे मैं यहां पर देखूं तो इस टू एम कितना फोर्स लगेगा टू एम जी

किस केस में टेंशन ज्यादा होगा टीए या टीबी बोलो टीए या टीबी बोलोगे टीबी की वैल्यू ज्यादा होगी टीए के कंपेयर में पहली बात दूसरी बात दूसरी अगर ये ए से ऊपर जा रहा पहले केस में और दूसरे केस में ये बी से ऊपर जा रहा तो तुम्हारा ए बी इज ग्रेटर देन एसिलेशन ऑफ ए होगा कितने लोग इस बात से सहमत है इक्वल जितने लोगों ने इक्वल बोला है या इक्वल बताने की कोशिश करी है अपने एक पैर को आराम दो नीट की कसम है तुम्हें एक पैर पे खड़ा हो जा आता भी कुछ नहीं है सीखना भी कुछ नहीं है एक पैर पे खड़ा हो जा पहले ऐसे दीवार पकड़ के ऐसे करके खड़ा हो जा लेक्चर देख नीट की कसम है तुम्हें सर क्यों तो देख ये तो सिंपल तुम्हारा पुल्ली ब्लॉक सिस्टम वाला केस हो गया ये हो गया एम टू ब्लॉक एम वन ब्लॉक सिंपल ये हो गया इस केस में सिलेशन क्या होगा इस केस में सिलेशन होगा टू एम माइनस एम एम माइनस एम बटा टू एम प्लस एम इन टू जी तो टू एम में से m गया तो क्या बचेगा एम और ये हो गया तुम्हारा थ्री एम एम से एम कटेगा जी बाई थ्री एस आया क्लियर है हाँ सर जी बाई थ्री एस लेसन आएगा टेंशन क्या टेंशन आएगा टेंशन आएगा टू एम 2m टू टू एम डिवाइडेड बाई एम प्लस टू एम थ्री एम जी एम से एम काटो तो दो दूना चार फोर एम जी वाई थ्री फोर एम जी बाई थ्री यह तुम्हारा पहले केस का सब कुछ निकाल लिया हमने यह तुम्हारा पहले केस का हमने सब कुछ निकाल लिया अब दूसरे केस में हम एनालिसिस करते हैं तो दूसरे केस को तुम ध्यान से देखोगे दूसरे केस को तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पे कोई ब्लॉक अटैच नहीं है यहां पे खुद ही मैंने फोर्स लगाया यहां पे 2mg तो खुद ही फोर्स लगाया ना 2mg हां 2mg फोर्स लगाया तो यहां पे हर जगह टेंशन 2mg होगा क्योंकि मैंने पकड़ के इसको टू एम जी से तो टू एम जी टू एम जी टू एम जी टू एम टू एम टू एम टू एम टू एम टू एम टेंशन बी वाले केस में होगा टू एम जी और उधर ए वाले केस में टेंशन कितना था फोर एम जी 3 थ्री फोर एम जी वाई थ्री टू एम जी से तो कमी हुआ हाँ यहां पर लेसन निकालने के लिए अगर यहां पर मुझे टेंशन पता है टीबी और नीचे है एम जी टीबी माइनस एम जी बराबर एमए बताओ कितना है सर टू एम जी टेंशन माइनस एम जी बराबर तो ए बराबर जी आ रहा है केस में जी एसिलेशन आया और ए केस में क्या है जी बाई थ्री तो इस केस में भी ज्यादा है अब फील करो ऐसा क्यों हुआ तो भाई यहां पे जब तुमने ब्लॉक लगाया उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स टू एम जी लग रहा है लेकिन जितना ग्रेविटी है, उतना नहीं टेंशन में कन्वर्ट होगा और दूसरी बात यहां पर टू एम जी लगा अब ये जो टू एम जी लगा इस मास को तो सिलेट कराना ही नहीं है यहां मास ही फोर्स डायरेक्ट टू एम जी लगा है मास ही मासिलेट कराना है यहां टू एम और एम दोनों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहां पर टू एम की वजह से ग्रेविटी लगा तो ग्रेविटी टू एम दिया लेकिन इस मास को भी तो सिलेक्ट कराना पड़ेगा यहां पे डायरेक्टली टू एम लगाया रस्सी में यहां पे तो कोई टू एम का मास ही नहीं है तो ये टू एम डायरेक्ट यहां पे चला जाएगा फील है कि नहीं है बताओ फील है कि नहीं बताओ बताओ फील है कि नहीं एकदम ओके अब यहां पर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसमें तीन तीन ब्लॉक कनेक्ट कर देते हैं तो यहां पे थ्री इक्वल वेट ए बी सी ऑफ मास सिक्स के जी ये भी छी ये भी छह के जी ये भी ए स्ट्रिंग ओवर द द द टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन द कनेक्टिंग वेट बी एंड सी इज बी एंड सी वायर में टेंशन कितना होगा यह पूछा है बी एंड सी वायर में यहां पर टेंशन कितना होगा यह पूछा है तो सबसे पहले आसान केस आप यह लिखेंगे बराबर ध्यान सुनना एक्सिलेशन बराबर नेट फोर्स बटा मास सिंपल तो इन दोनों को चिपका के एक मान लो तो बारह आ गया मास बारह माइनस छ बटा अठारह इंटू जी सही लिख रहा हूं तो जी बटा थ्री एसिलेशन होगा एसिलेशन आ गया जी बाई थ्री अब तुम एक काम करो इस सिर्फ सी का एफबीडी बनाओ तो सी पर नीचे एमजी फोर्स लगेगा यहां पर टेंशन टी ऊपर लगेगा तो यहां पर तुम लिखोगे यहां पर तुम लिखोगे यहां पर, लिखोगे। यहां पर नीचे एम क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा नीचे ही तो जा रहा है माइनस टी बराबर मास इंटू एसिलेशन तो माइनस ट्यू ऊपर उधर ले जाओ माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस टी एम जी माइनस एम ए की वैल्यू जी बाई थ्री एम जी माइनस एम जी बाई थ्री हो जाएगा दो चार गुना दस चालीस न्यूटन आंसर आ रहा क्लियर है क्या क्या किया हमने तो सबसे पहले इन दोनों को चिपका लिया एक ब्लॉक मान लिया बारह के जी का ये छह के जी का सिस्टम का निकाल लिया तो ये जितने से ऊपर जाएगा इतने से नीचे आएगा सिर्फ अब C का एफबीटी बनाया हमने किसका एफ बी टी बनाया सिर्फ C का एफबीटी ऑफ C तो C पर mg नीचे और यहां पे T ऊपर तो टी बराबर है में चालीस न्यूटन सही है क्या बहुत बढ़िया जोरदार भाई साहब आग लगा दी इस केस में देखो क्या होता है जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस रखा है एम वन मास का स्ट्रिंग से कनेक्ट करके एम टू से हैंग कर दिया हमने क्या कर दिया साहब एम टू से यहां पे हमने कर दिया हैंग अब जितने एसिलेशन से ये नीचे जाएगा उतने एसिलेशन से ये आगे आएगा अब इस सिस्टम का एसिलेशन हमने आपसे पूछा है सिस्टम का एसिलेशन हमने आपसे पूछा है तो सिस्टम का एसिलेशन क्या होगा सिस्टम का एसिलेशन होगा अच्छे से समझना देखो इस पर जो एम जी लगेगा वो तो इसके मोशन में एक्सेलरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहा ध्यान से देखिएगा यहां पर जो एमोन जी लग रहा वो इसको एक्सिलेट तो कर ही नहीं रहा क्योंकि तो जो डायरेक्शन में सर इसको T कर रहा तो यहाँ टी ऊपर लग रहा होगा नीचे एम टू जी लग रहा होगा तो इस दोनों को एसेलरेशन देने का काम जो पुलिंग फोर्स है वो कौन कर रहा एमोन जी और अपोजिंग फोर्स कौन सा है कोई भी नहीं जी क्यों नहीं जी क्योंकि स्मूथ सरफेस है और जितना एम जी नीचे लग रहा है उतना नॉर्मल ऊपर लग रहा है ऊपर वाला एक्स एक्सिसन में कुछ नहीं करेगा तो एम टू जी नेट फोर्स बटा नेट मास टेंशन क्या होगा तो दोनों ब्लॉक जब लटका होता है तो टेंशन होता है टू एम ओन एम टू बटा एम ओन प्लस एम टू जी अगर एक ब्लॉक ओरिजेंटल और एक वर्टिकल हो तो टेंशन होता है एम ओन एम टू जी बटा एम ओन प्लस एम टू वो निकाल सकते हैं यहां एम टू जी माइनस टी बराबर एमओन क्लियर है क्या बना के निकाल सकते हैं फोर्स क्या होता है तो देखो, भी तुम्हारे इक्वेशन ऑफ मोशन है विद लॉ, वैलिड होते हैं देखो ऑल लॉज ऑफ मोशन इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको बोलते हैं जो फ्रेम या ऑब्जर्वर रेस्ट में हो या वो फ्रेम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो लॉज ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लॉज ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो एसिलेटेड होता है तो कहीं एसिलेटेड जगह से बैठ के चीजों को ऑब्जॉर्व करेंगे कहीं एसिलेटेड जगह से बैठ के आप चीजों को देखेंगे तो उस केस में लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं है लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं तो सवाल आप नहीं कर सकते सवाल आप नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, तो सकते फेल हो जाएंगे तो हमको तो फेल नहीं होना हमको तो फेल नहीं होना तो क्या करते हैं हम एक स्यूडो फोर्स का इन्वेंशन करते हैं तो स्यूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना स्यूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ी टू वैलिडेट टू वैलिडेट लॉज ऑफ मोशन इन नॉन इशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब भी कोई ऑब्जर्वर चाहे किसी भी तरीके से किसी भी जुगाड़ से एसिलेटेड होगा चाहे कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी तरीके से किसी भी जुगाड़ से एसिलेटेड होगा एसिलरेटेड होगा तो वो एक स्यूडो फोर्स लगाएगा क्यों लगाएगा टू वैलिडेट लॉज ऑफ मोशन इन नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो स्यूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी टू वैलिडेट लॉज ऑफ मोशन इन नॉन यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है तो स्यूडो फोर्स बराबर होता है स्यूडो फोर्स बराबर होता है मास जिस पर आप लगा रहे हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट और

तो रेस्ट में हो या कॉन्स्टेंट चल रहा हो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से हो क्या हो भाई मेरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में से हो तो ये वर्टिकल से जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा तो यहां पर आप एफवीडी इसी में अंदर बैठ के चीटा बन के इसमें बैठ जाओ इसमें चीटा बन के बैठ जाओ तो चीटा एक एम तो नीचे लगाएगा एक टेंशन इधर लगाएगा पूरा फ्रेम आगे रिलेटेड है तो 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 चीटा चीटा भी भी ऐसे है, है है, पीछे एक एक फोर्स लगाएगा क्लियर भाई? अब पर, ये जो टी 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 वो वर्टिकल से भी थीटा एंगल बनाएगा, तो टी का एक कंपोनेंट टी टी का कंपोनेंट कंपोनेंट ऊपर होगा होगा और साइन एम से एम कटेगा टैन ठिटा बराबर आ जाएगा ए जी। और बड़ा खूबसूरत चीज है कितने एंगल से डेविएट होगा वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मास ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के मास पर ये डिपेंड नहीं करता है अच्छा रस्सी में टेंशन कितना होगा तो टेंशन होगा टी इज इक्वल टू रूट अंडर एमजी का होल स्क्वायर प्लस एम ए का होल स्क्वायर क्लियर है क्या ये बात तो सारा कुछ यहां पे हमने बता दिया अच्छा रस्सी में जो टेंशन होगा वो अंदर बैठ के और बाहर बैठ के सेम वैल्यू आएगा कि डिफरेंट वैल्यू आएगा <laughs> अंदर बैठ के और बाहर बैठ के दोनों जगह से देखोगे तो जो टेंशन की वैल्यू आएगा वो सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा जरा बताइए सेम आएगा कि डिफरेंट आएगा नेक्स्ट <laughs> हम यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन लेते हैं स्मूथ कैसा इंक्लाइन प्लेन लेते हैं स्मूथ इंक्लाइन प्लेन लेते हैं और इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या बेटा थीटा है यहां पे एक m ब्लॉक का मास रख दिया और हमने इसको छोड़ दिया तो जैसे ही छोड़ेंगे तो स्मूथ सरफेस है तो ये स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा बहुत बढ़िया बच गए एक दो बच्चे अभी भी डिफरेंट लिख रहे हैं मतलब वैसे हाथ डाल के ना कैमरे में हाथ डाल के बाहर निकालूंगा मुंडी पकड़ के हाथ डाल के और मुंडी पकड़ के बाहर निकालूंगा मारूंगा दस थप्पर और फिर अंदर फेंक दूंगा गधेरा अंदर और बाहर दोनों से टेंशन की वैल्यू सेम ही आएगा तो जाया। और सुन एक स्मूथ इनक्लाइन प्लेन लिया और उस स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक को हमने छोड़ दिया रिलीज कर दिया तो क्या होगा सब so ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा ये फिसल के नीचे आ जाएगा क्यों आ जाएगा क्योंकि मान लो ये एमजी लग रहा तो एमजी का एक कंपोनेंट नीचे आएगा एमजी साइनडेटा और एक आएगा इधर एमजीटा तो एमजी साइनडेटा से कर जाएगा। फिसलता हुआ नीचे गिर जाएगा बहुत आसान है साहब बहुत आसान है साहब ठीक है अब मैं आपसे पूछ रहान ऑफ स्मूथ इन क्लाइन प्लेन

और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एमए का कंपोनेंट और इंक्लाइन प्लेन के नीचे एम जी साइन ठीक अगर दोनों इक्वल हो गए तो स्लाइड नहीं करेगा तो सीधी सी बात है थीटा थीटा बराबर बराबर जैसे ही रखेंगे एम से एम से कटेगा ए बराबर जी टेन आ गया तो ये तो पहले ही हमने लिख दिया था और तुम्हें यह रटना भी है कि अगर इंक्लाइन प्लेन का एसिलेशन जी टेन ठिट्टा हो जाए तो ये एसिलेट नहीं करेगा उसके लिए किसपे एसिलेशन जी टेन थीटा मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा तो बेटा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा ये कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी टेन उस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी तो गलती से बच्चा कहता है एन बराबर एम जी कॉस्टिटा लेकिन एमजी कॉस्टा के साथ साथ एम एस आइन ठिट्टा भी तो ऐड होगा जब ऐड करके सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा एम जी बाई कॉस्टिटा हमने ये किया हुआ है तो ये दो चीजें आपको याद रखना है एक्सिलेशन जी टेन ठिट्टा

क्लियर कहा होगा ऊपर फिसलने लगेगा क्लियर चलो नेक्स्ट देखो एसिलरेशन ऑफ द स्मूथ इंक्लाइन प्लेन सो दैट ब्लॉक बिल फ्री फॉल अब यहां का एसिलरेशन कितना रखूं कि बॉल ये ब्लॉक सीधा फ्री फॉल हो जाए ब्लॉक बिल फ्री फॉल तो एसिलरेशन बराबर आता है जी को थिट्टा उस केस में नॉर्मल क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि फ्री फॉल कराना है तो नॉर्मल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा इसके लिए हम इसको इधर खींचेंगे तभी तो ये चला जाएगा और ये फ्री फॉल कर जाएगा ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन का मास कैपिटल स्मॉल एम तो दोनों को साथ रहने, रखने के लिए दोनों का मास इंटूस एक्सीलरेशन आएगा लेकिन मुझे तो इसको फ्री फॉल कराना अलग करना है तो इसका मास इंटू जी थीटा आएगा यहां पे 99% बच्चे गलती कर देते हैं 99% बच्चे गलती कर देते हैं क्लियर है क्या बहुत इंपॉर्टेंट केस और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसको हम याद रखेंगे नेक्स्ट देखिए अ इज इन अ लिफ्ट देखो एक लिफ्ट है लिफ्ट पे एक आदमी खड़ा है और यहां से ये को क्या कर रहा है ड्रॉप कर रहा है क्वाइन को क्या कर रहा है बेटा ड्रॉप कर रहा है अ क्वाइन इज ड्रॉप इन अ लिफ्ट अट्ठेक्स टी वन टाइम टू रीच द फ्लोर विथ लिफ्ट इज स्टेशनरी जब लिफ्ट रेस्ट में है तो एंड टी टू टाइम विद लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विदिलेशन जब ये ऊपर चल रहा है से तो दोनों केस में टाइम की वैल्यू पूछा देखो जब रेस्ट में है तो ये तो सिंपल जी से नीचे जाएगा और जब अगर ये ऊपर होगा तो इफेक्टिव एसिलेशन नीचे हो जाएगा जी प्लस ए तो नीचे ज्यादा तो टाइम कम तो टी टू टाइम कम होगा टी वन टाइम ज्यादा होगा फर्स्ट आंसर आएगा बताओ अच्छा सवाल है अच्छा सवाल है बैठ जाइए चलिए बैठ जाइए पांच मिनट ही तो बोला था जीवन भर थोड़ी ना खड़े रहने के लिए बोला है ऐसे ही मेडिकल कॉलेज में भी जाना एक पैर उठा के क्या हुआ अरे कुछ नहीं सवाल गलत बता दिया था कभी भी शादी ब्याह में जाना लड़की देखने ऐसे पैर उठा के पैर में क्या हुआ कुछ नहीं पैर ठीक है वो आंसर गलत बता दिया था जीवन भर पैर उठा के थोड़ी नहीं चलेगा एक पैर से अरे कुछ नहीं का रिवीजन हो रहा था तो गलत जवाब बता दिया था जीवन भर पैर उठा के चल रहा है कॉन्स्टेंट रिलेशन कॉन्स्टेंट रिलेशन क्या कहता है

ऐसे कनेक्ट कर दिया एक दूसरा ब्लॉक m2 अब बताइए m2 और m1 का एसेलेशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा तो m1 और m2 का एसेलेशन बेटा क्या होगा डिफरेंट होगा और इनके एक्सीलरेशन में जब रिलेशन लिखेंगे तो बड़ा आसान है आप क्या करेंगे कि यहां पे लिखेंगे मान लीजिए टेंशन t है मान लीजिए इस स्ट्रिंग में टेंशन t है राइट एंड से t यहां भी t यहां भी t तो यहां क्या हो जाएगा 2t तो यहां का टेंशन 2t a1 t a2 टी से टी कटेगा टू ए वन बराबर ए टू तो ए वन का आएगा ए टू वाई टू सिंपल रिलेशन है एक सवाल यहां पर वेलोसिटी का भी हम कर लेते हैं बहुत बढ़िया सवाल है इसमें बच्चे गलती करते ही करते हैं तो एक बार देखिए एक बार देखिए, क्या है सवाल इफ द ब्लॉक इज बींग पुल्ड बाय द रोप मूविंग एट ए स्पीड वी एसोन इन सोन देन द होरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज ये ब्लॉक कितने वेलोसिटी चलेगा इस वेलोसिटी की वैल्यू पूछिए इसको यू नाम ले लेते हैं। यू की वैल्यू पूछिए है। क्लियर ये ये चलो करते हैं करते हैं करते हैं। करो एक बार हम्म डॉट प्रोडक्ट है ना टेंशन इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी वन वी वन टी टू वी टू डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यहां पर है ना करो एक बार तो U साइन थीटा बराबर V तो U बराबर V साइन थीटा है यू बराबर वी साइन थीटा फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर <coughs> कितने लोग डी जवाब दे रहे हैं दूसरा तीसरा सी ओके okay, नहीं समझा ओके समझाओके बुद्धि चाहिए ना उसके लिए कैसे समझ जाएगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मुझे इसी चीज का इंतजार था अब सुनो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं सबसे पहले कि मान लो इसकी वेलोसिटी में बोली है, यू है तो यू मान लेते अब मान लो इस रस्सी में टेंशन है कुछ टी यहां भी टेंशन, हो टी? टेंशन होगा टी तो यहां पर टेंशन इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा टीवी बराबर यहां पर टेंशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होगा तो सर ये तो हॉर्जेंटल में जा रहा है एक्चुअल यू से ये ऊपर से एंगल थीटा दिया है तो इसको हम मान सकते हैं नाइनटी थीटा तो नाइनटी थीटा की तरफ जब कंपोनेंट लेंगे तो ये होगा टी यू थीटा लेकिन यू साइन ठिटा तो यू बराबर हो जाएगा वी बटा साइन थीटा हमें तो डॉट प्रोडक्ट लेना टेंशन वेलोसिटी का तो टेंशन वेलोसिटी में एंगल क्या बनेगा ये वर्टिकल से थीटा दिया तो टेंशन वेलोसिटी में बनेगा एंगल नाइनटी थीटा का क्लियर नेक्स्ट फ्रिक्शन की बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन तो मैंने पूरा करा दिया देखो लॉज ऑफ मोशन खुद में ही बहुत बड़ा सेक्शन है सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने कवर कर दिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रिक्शन की ठीक है टाइम लगेगा बेटा थोड़ा सा अभी और चालीस मिनट और लगेगा चालीस मिनट और लगेगा तो ध्यान से देख लीजिए फ्रिक्शन इज नथिंग बट अ कॉन्टेक्ट फोर्स बिच अपोज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिच अपोज रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है ना देखो फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कसम खाया है कि दो ऑब्जेक्ट जिसमें थोड़ी इंटरलॉकिंग हो उसको मैं अलग नहीं होने दूंगा और जब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कभी भी फिक्स नहीं होता जिधर टेंडेंसी ऑफ मोशन होगा ना उसके अपोजिट में लगता है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज नथिंग बट अ कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिच पैरल टू द कॉन्टैक्ट सर्फेस एक्चुअल में दो तरह के कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं बेटा एक्चुअल में दो तरह के कॉन्टैक्ट दो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं एक नॉर्मल एक फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन एक ऐसा कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरल लगता है मान लीजिए कि ये मास है अब यहां पे रफनेस है तो कुछ कांटा लगा होगा अब ये जिस भी सरफेस पे हम रखेंगे उस सरफेस के साथ ये इंटरलॉक हो जाएगा अगर मैं इसको चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं तो फ्रिक्शन जीरो अगर मैं इसको चलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं तो फ्रिक्शन क्या लगेगा जीरो लगेगा लेकिन इसको जैसे ही मैं फोर्स से आगे खींचने की कोशिश करूंगा तो ये जो इंटरलॉकिंग है वो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा के इसको रोकेगा तो फ्रिक्शन किसके वजह से और नॉर्मल किसके वैसे लगता है तो कॉन्टैक्ट की वैसे तो एक्चुअल में कॉन्टैक्ट फोर्स अगर तुमसे पूछे तो तुम बोलोगे नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का वेक्टर सम हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा नॉर्मल फोर्स प्लस फ्रिक्शन फोर्स का वेक्टर सम हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट की वजह से लग रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कभी पूछा जाए तो रूट अंडर नॉर्मल का होल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का होल स्क्वायर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स होगा रूट अंडर नॉर्मल का होल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का होल स्क्वायर ठीक है अब तीन केस होता है ध्यान सुनना तीन केस होता है कि बॉडी स्टैटिक हो मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बॉडी रेस्ट में अगर बॉडी रेस्ट में है अगर बॉडी रेस्ट में है उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो कि अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल एंड डायरेक्शन अपोजिट होगा जब भी बॉडी रेस्ट में है तब उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो अप्लाइड फोर्स के बराबर लगेगा सर अप्लाइड फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन जीरो होगा अगर अप्लाइड फोर्स है मोशन की टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा ये वेरिएबल फोर्स होता है क्या हाँ, ये वेरिएबल होता है इनफैक्ट इसको हम कहते हैं सेल्फ सेल्फ एडजस्टेबल एडजस्टेबल ए ए डी यू एस टी बी क्यों क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एडजस्ट होता रहता है अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड के कंपेयर में नेक्स्ट इज जब ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते जाए लगाते जाए लगाते जाए ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव हो जाए जिस कंडीशन में ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव होगा ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव होगा उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम कहते हैं फ्रिक्शन की औकाद फ्रिक्शन की फ्रिक्शन की औकाद ये वो वैल्यू है ये वो मैक्सिमम वैल्यू जितना फोर्स लगा के इंटरलॉकिंग फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक सकता है इसको मैक्सिमम maximum... वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं इसकी वैल्यू होता है म्यू म्यू एन एन लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स होता है n, पे एस है हाँ, है एस एस जहां पे ऑफ स्टैटिक अगर सरफेस वहां पे नॉर्मल की वैल्यू एम के बराबर आता है तो हम लिख लेते हैं म्यू एमजी लेकिन ये जनरलाइज नहीं है ये जनरलाइज नहीं है कि म्यू एमजी फ्रिक्शन होता है हाजोनटल सरफेस है तो म्यू एमजी होगा क्योंकि नॉर्मल एमजी के बराबर हो जाता है वैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है होता म्यू एन होती है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा तो तो मोशन में इसकी वैल्यू भी, भी क्या होती, होती है मैक्सिमम औकात जो होगी फ्रिक्शन की इसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टेबल होती है तो कई बार बोलते हैं क्या नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ बनाऊं फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स के बीच ग्राफ बनाओ तो जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाता जाऊंगा जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाता जाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स वैसे वैसे बढ़ता जाएगा क्लियर है जब जब ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में आएगा उस केस में जो अप्लाइड फोर्स हम लगा रहे होंगे जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा मतलब लिमिटिंग आएगा तो ऑब्जेक्ट अबाउट टू मूव आ जाएगा जब ऑब्जेक्ट चलने लगेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से थोड़ा कम लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्योंकि मोशन में बॉडी को रखना थोड़ा सा क्या रहता है इजी रहता है क्लियर है ये बात तो बताओ एक केस जिस पर नीट में कई बार सवाल पूछे हैं क्या ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद वेलोसिटी वी नॉट ऑन अ रफ सरफेस देन स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम इज इक्वल टू मान लो एक रफ ऑर्जोनटल सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को तूने वी नॉट वेलोसिटी से फेंका वी नॉट वेलोसिटी से फेंका तो उसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा कितना लाएगा है सर म्यू एन एन की वैल्यू बोलो एम जी तो म्यू एम जी फ्रिक्शन लाएगा एंड फोर्स बराबर होता है मास मासन बराबर म्यू एम जी एम से एम कटेगा रिटार्डेशन बराबर क्या हो जाएगा म्यू जी. तो म्यू जी तो जी से यह रिटार्ड करेगा तो कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस चल के रुक जाएगा कितना डिस्टेंस चल के रुक जाएगा तो डिस्टेंस चल के रुकेगा वी एक्वायर बटा टू म्यूजी वी स्क्वायर बटा टू ए होता है एक जगह पे म्यू जी रख देंगे टाइम कितना लगेगा टाइम लगेगा टी इज इक्वल टू वी नॉट बटा म्यूजी स्टॉपिंग डिस्टेंस और क्या हो जाएगा स्टॉपिंग टाइम हो जाएगा क्लियर है बेटा क्लियर है बेटा देखो एक्चुअल में वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स मान लो कि एम मास का ऑब्जेक्ट इसका नॉर्मल ऊपर जो कि एमजी के बराबर होगा अब मान लीजिए कि मैंने एक अप्लाइड फोर्स लगा लगाया वजह से फ्रिक्शन पीछे लग रहा है तो यहां पे कहते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स का जो वेक्टर सम होगा ना उसी को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं अगर नॉर्मल जीरो है नॉर्मल नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा अगर मान लो नॉर्मल ही नहीं है कॉन्टेक्ट ही नहीं है तो इंटरलॉकिंग कैसे होगा फ्रिक्शन भी नहीं होगा तो कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा मान लो अगर नॉर्मल है और कॉन्टेक्ट फोर्स तुमसे पूछ रहा है हो सकता है स्मूथ सरफेस है अगर स्मूथ सरफेस है तो कॉन्टेक्ट फोर्स बराबर नॉर्मल होगा फ्रिक्शन जीरो होगा अब मान लीजिए फ्रिक्शन भी है नॉर्मल भी है तो कॉन्टेक्ट फोर्स फ्रिक्शन और नॉर्मल के बीच में इधर आता है ठीक है और कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड कॉन्टेक्ट फोर्स एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स वेन ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव जब ऑब्जेक्ट मोशन के कंडीशन में आता है उस केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम निकालते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू तो थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहां लिखी है फ्रिक्शन किसी का सगा नहीं है ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन पीछे लग रहा तो पीछे लगता रहेगा या आगे लग रहा है तो आगे लगता रहेगा या इंक्लाइन प्लेन पे नीचे लग रहा है तो नीचे लगेगा या इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर लगेगा। फ्रिक्शन किसी का सगा नहीं है उसका कोई फिक्स रिलेशन नहीं होता डायरेक्शन नहीं होता चचा उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता उसका एक ही उद्देश्य है मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करना जिधर मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा क्लियर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा क्लियर है बेटा क्लियर है नेक्स्ट देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू टू अपोज टू मिक्सम मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स सो दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव ताकि ऑब्जेक्ट मोशन ना करे तो देखो यहां पर क्या है कि ये एक इंटरलॉकिंग बन रहा ठीक है और मान लो कुछ कांस्टेंट फोर्स मैं पीछे लगा रहा हूं कोई गिवन स्टेंट फोर्स में पीछे लगा रहा हूं तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि कि ऑब्जेक्ट ना मोशन में करे तो तो एक ये ये करते हैं कि जब गिवन फोर्स आगे लग रहा है तो पीछे तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे क्या लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन तो स्टैटिक फ्रिक्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी ये मान लो ज्यादा होगा तो जाने की कोशिश करेगा तो मैं अप्लाइड फोर्स और इसमें ऐड कर दूंगा ताकि इसके बराबर हो जाए तो इफ जो मिनिमम आएगा एफ जो मिनिमम आएगा वो होगा अप्लाइड फोर्स की मिनिमम वैल्यू प्लस स्टैटिक बराबर गिवेन तो मिनिमम प्लस स्टैटिक बराबर और अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा, लगा दू अगर मैं इससे भी तो इसको चलने की टेंडेंसी पीछे हो जाएगी जब इसके मोशन की टेंडेंसी आगे की तरफ होगी जब मोशन की टेंडेंसी आगे की तरफ होगी तो यहां पर जो फोर्स होगा गिवन फोर्स उसके डायरेक्शन में तुम्हारा

एम मास का ब्लॉक मैंने इस सरफेस पर रख दिया जिसका ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, तो सवाल तुमसे यह पूछेगा सवाल तुमसे यह पूछेगा ऑब्जेक्ट इज प्लेस तो रफ ऑर्जोनटल सर्फेस देन मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू तो मूव द ऑब्जेक्ट इज तो मुझे इस केस में मिनिमम फोर्स कितना लगाना चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए

अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स ना लगा के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ थीटा एंगल ऊपर फोर्स लगाता हूं तो यहां पर इसको चलाने के लिए फोर्स की जरूरत कम पड़ेगी कम फोर्स में ये चल जाएगा इसीलिए तो आप देखते हो जब कोई भारी ऑब्जेक्ट हम खींचते हैं तो हॉरिजॉन्टल नहीं खींचते उसको रस्सी से बांध के टेढ़ा खींचते हैं टेढ़ा खींचने पर क्या होता है कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर आता है एफ साइन थीटा क्यों क्योंकि ये फोर्स हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है इधर होगा एफ थीटा ठीक है ऊपर होगा थीटा ऊपर होगा आपका नॉर्मल नीचे होगा एमजी तो यहां पे जो नॉर्मल की वैल्यू वो कम हो जाएगी एमजी माइनस थीटा और अगर नॉर्मल कम हो गया तो ऑब्जेक्ट का लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इन टू लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो उसको चलाना ईजी होगा तो उस केस में हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है थीटा एंगल पे लेकिन मिनिमम कब होगा तो मिनिमम फोर्स की वैल्यू होती म्यू एमजी रूट अंडर वन प्लस म्यू मिनिमम करने के लिए इसका मैक्सिमम वैल्यू रख देते हैं और sin का मैक्सिमम वैल्यू कॉस्टिटाइट रूट अंडर है तो ये याद रखेंगे मैंने ड्राइव करके भी आपको बताया हुआ है नेक्स्ट टेबल चेन प्रॉब्लम टेबल चेन प्रॉब्लम में चेन का कितना हिस्सा मैं नीचे रखूं चेन अगर मान लो मान लो चेन का मास है एम और लेंथ एल तो इसमें सवाल पूछते हैं कि मिनिमम कितना लेंथ मैं नीचे हैंग करूं कि स्लाइड कर जाए नीचे गिर जाए एक ही बात समझना इसमें कि ये इंटरलॉकड है जो चेन का पार्ट टेबल पे होगा वो इंटरलॉकड होगा हां वो इंटरलॉकड होगा तो चेन का एम मास को मैं दो हिस्से बांट लेता हूं वो मास चेन का जो नीचे हैंग्ड है और वो मास चेन का जो टेबल पे है अब जो मास नीचे हैंग्ड है उसका तो इंटरलॉकिंग कहीं होगा नहीं तो नीचे लटका है उस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा एम ओन जी ये होगा इसका पुलिंग फोर्स ये होगा इसका पुलिंग फोर्स सही बात है सर ये होगा इसका पुलिंग फोर्स और वो हिस्सा चेन का जो टेबल पे है उसका इंटरलॉक हो रहा होगा हां उसका इंटरलॉकिंग होगा उसके इंटरलॉकिंग वजह से जो नॉर्मल लगेगा उसकी वैल्यू आएगी सिर्फ एम टू जी तो यहां पे फ्रिक्शन होता है नॉर्मल के बराबर सॉरी म्यू एम टू जी तो भाई ये है आपका अपोजिंग फोर्स ये है आपका अपोजिंग फोर्स और ये है आपका पोलिंग फोर्स किस केस में जस्ट अबाउट टू मूव आएगा तो चेन का वो पार्ट जो नीचे हैंगड है उस पर एम वन जी ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम टू जी बराबर हो जाए उस केस में ये जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में आ जाएगा जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में आ जाएगा ठीक है तो ये दोनों बराबर रख लेंगे पुलिंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स पुलिंग फोर्स में चेन का वो हिस्सा जो नीचे लटका उसका मास इन टू जी न्यू एम टू जी चेन का वो मास कंडीशन रख लो फटाफट फड़ एंसर तुम्हारा आ जाएगा यहां पे एक सवाल है बेटा ये होमवर्क दे देता हूं कर लेना बहुत ईजी है एंसर भी बता देता हूं थर्टी थ्री परसेंट बायोगी क्लास की टाइम हो गई तो मैं जल्दी खत्म करता हूं ठीक है नेक्स्ट देखो अब है हम इनक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन की बात करते हैं बेटा जब हम इंक्लाइनड प्लेन पे फ्रिक्शन की बात करते हैं तो इसका बहुत छोटा सा फॉर्मेट में आपको बताता हूं कि ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है थीटा तो यहां पे एंगल ऑफ रिपोज आ जा जाता है tan थीटा बराबर म्यू एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जब ऑब्जेक्ट जस्ट टू अबाउट टू मूव की कंडीशन में आता है ठीक है ये ब्लॉक अगर m है तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में mg फोर्स लग रहा होगा ये होगा आपका mg cos थीटा ये होगा आपका mg sin थीटा ये होगा आपका नॉर्मल यहां तक तो कोई बुराई नहीं है यहां तक तो कोई बुराई नहीं है नहीं सर तो ठीक है फ्रिक्शन कहां लगेगा तो देखो अभी मैंने इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है और ऑब्जेक्ट को जस्ट हमने इनक्लाइन प्लेन पे प्लेस किया है कोई एक्सटर्नल फोर्स मैंने खुद से नहीं लगाया है, इसको प्लेस किया है उस केस में एमजी सेंटीटर नीचे चलाने की कोशिश कर रहा हूं तो फ्रिक्शन कहां लगेगा ऊपर लगेगा अब इसके तीन केस आएंगे कि के चलेगा जस्ट अबाउट टू मूव हो जाएगा कि रुका रहेगा तो इसको मैंने बहुत आसान से तीन पार्ट में बांट दिए सबसे पहला केस केस नंबर वन केस नंबर वन अगर म्यू बराबर टैन थीटा है मतलब मान लो एंगल ऑफ फ्रिक्शन तुम्हारा टैन थीटा और, और म्यू है ठीक है ना देखो इसका जो कॉन्फिस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है और जो एंगल अभी दिया हुआ है उसका टैन थीटा निकाल लो तो टैन थीटा और म्यू को कंपेयर करो अगर तुम्हारा टैन थीटा और म्यू बराबर है अगर तुम्हारा tan थीटा और म्यू बराबर है तो ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड होगा उस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू रहेगा एम जी साइन ठिट्टा नॉर्मल लग रहा होगा आपका एम जी कॉस्ट तो कॉन्टेक्ट फोर्स इन दोनों का वैक्टरसम एम जी आएगा अगर तुम्हारा म्यू ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है जरा सोच के बताना म्यू अगर तुम्हारा ज्यादा हो मतलब इंटरलॉकिंग ज्यादा है और एंगल कम है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा नहीं चलेगा उस केस में फ्रिक्शन लगेगा तुम्हारा जो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन होगा मान लो ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा क्योंकि नीचे एम जी साइन जो फोर्स होगा फ्रिक्शन उतना ही लग रहा होगा इसको रोक लेगा तो नॉर्मल एमजी का ऑसिटा होगा इन दोनों का वेक्टर सम आएगा आपका एमजी इन दोनों का वेक्टर सम आएगा आपका एमजी नेक्स्ट अगर म्यू तुम्हारा कम है म्यू इज लेस देन टेटा टेनटेटा ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा और ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो नीचे फोर्स एमजी साइन टेटा ज्यादा होगा म्यू एम जी कॉसा फ्रिक्शन कम होगा तो एसिलरेशन आएगा तुम्हारा एसिलरेशन आएगा तुम्हारा मास इंटू एसिलेशन बराबर एम जी साइन ठिट्टा माइनस म्यू एम जी कॉस ठिटा यह एसिलरेशन की नेट फोर्स बराबर मास इंटू एसिलेशन आ जाएगा तो एसिलेशन यहां से आप ये निकाल सकते हो ठीक है अच्छा कई बार बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये नहीं समझते कि सवाल मान लो ऐसा दे दे कि ये इंक्लाइन प्लेन है और ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया

कोई बेटा समस्या इसमें कोई दिक्कत इसमें ठीक है मिनिमम फोर्स टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन इनक्लाइन प्लेन इनक्लाइन प्लेन पे मिनिमम फोर्स कितना मतलब नहीं करेगा इंटरलॉकिंग ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा तो बोला है कि मिनिमम में कितना फोर्स लगाऊं ताकि चल जाए तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा और मिनिमम फोर्स चलाने के लिए पूछा है तो इसको नीचे लगाओगे कि ऊपर ऑब्वियस ही बात है नीचे धक्का मारना इजी है नीचे चलाना इजी है तो नीचे जो फोर्स होगा तुम्हारा वो होगा एम जी साइन ठीटा माइनस म्यू एम जी कॉसटा इतना फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट चल जाएगा क्यों क्योंकि ऑलरेडी नीचे एम जी साइन ठीटा तो लग ही रहा था और ऊपर फ्रिक्शन लग रहा था तो एफ प्लस एफ आर बराबर है ना एफ प्लस एफ आर बराबर

अगर यह सही लिखा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार आग लगा के बता दो ताकि मैं, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें फील आ गया पूरा कैसे इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर ले जाना है तो टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर टेंडेंसी ऑफ मोशन कहा हो गया सर ऊपर अगर इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन ऊपर है फोर्स की वजह से तो नीचे एमजी साइन ठीटा और नीचे फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट और एमजी साइन हमेशा नीचे एमजी साइन हमेशा नीचे मिनिमम फोर्स टू कीप द ऑब्जेक्ट

तो रेस्ट में रखने के लिए हमें यह फोर्स लगाना पड़ेगा तो नीट के अकॉर्डिंग फोर्स की जरूरत पड़ती है वो केसेस आप समझ लीजिए यहां पर दो सवाल लिखे है मैंने फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द बॉडी अप जस्ट मूव द बॉडी अप मतलब फ्रिक्शन और एमजी सेंटर दोनों जोड़ के फोर्स लगेगा इनक्लाइन प्लेन डबल द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्लाइडिंग डाउन जस्ट नीचे जाने से रोकने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसके कंपेयर में ये डबल है कर लोगे क्या इतना कॉन्फिडेंस है भाई नेक्स्ट सवाल उसी तरीके का है बढ़िया सवाल लिखा है मैंने बॉडी टेक्स टाइम टी टू रीच द बॉटम ऑफ इनक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल थीटा विद द विदिजन इफ द प्लेन इज मेड रफ टाइम टेक नाउट इज टूटी पहले स्मूथ है तो टाइम टी लग रहा है रफ बना तो टाइम टूटी हो गया तो म्यू की वैल्यू पूछी है कर लोगे ब्लॉक ओवर ब्लॉक का केस ना बहुत आसान होता है ब्लॉक ओवर ब्लॉक का केस बहुत आसान होता है इसमें दो ही चीज आपको याद रखना है जो मैं आपको समझाता हूं ध्यान से देखना एम टू मास का ब्लॉक है ये कहां से फोर्स बनाया है भाई ये देखो एक एम टू मास का ब्लॉक है ऊपर एमोन मास का ब्लॉक है ये सरफेस तुम्हारा ग्राउंड क्या है स्मूथ हो इसके बीच है ऑफ फ्रिक्शन में तो यहां पे एक बात बताओ मैं नीचे वाले पे फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर वाला अपने आप क्यों जाएगा सर वो फ्रिक्शन लेके जाएगा ऊपर वाले को तो इस केस में जो मैक्सिमम एसिलेशन होता है जहां तक ये साथ चल सकते हैं वो होता है म्यूजी देखा क्या लिखा है मैक्सिमम एसिलेशन सो दैट दे विल मूव टूगेदर इज म्यूजी मैक्सिमम एसिलेशन सो दैट देर मैक्सिमम एसिलेशन सो दैट देर सो दिल मूव टूगेदर इज म्यूजी तो तुम क्या करो तुम्हें म्यू का वैल्यू दिया होगा एमोन एम टू और एफ का वैल्यू दे दिया होगा पूछे होगा एसिलेशन बताओ तो सबसे पहले तुम ये कैलकुलेट करोगे म्यूजी कैलकुलेट करोगे और अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो उनका कॉमन जो एसिलेशन होगा जो कॉमन एसिलरेशन होगा अगर दोनों साथ चल रहे हैं तो उनका एक कॉमन एसिलरेशन साथ चलने वाले केस में कि दोनों का एक एफ बना लो तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन आगे तो नीचे वाले पे फ्रिक्शन पीछे अगर ये साथ चल रहे हैं तो कॉमन एसिलेशन जो आएगा नेट पुलिंग फोर्स बटा नेट मास आ जाएगा ये निकाल लो और देखो कि अगर ये वाला एसिलरेशन इसके बराबर आया है या ये एसिलरेशन इससे कम आया है तो दोनों साथ चल रहे होंगे अगर ये वाला एसिलरेशन लेस देन और इक्वल टू म्यूजी आया मूव टूगेदर विल मूव होता है कि म्यू जी एसिलेशन तक वो साथ चल सकते हैं अगर तुम्हारा कॉमन एसिलेशन जो ये फोर्स दे रहा है वो म्यू जी के बराबर या उससे कम है तो दे दे विल विल मूव मूव देर ये अगर मैक्सिमम <coughs> फोर्स पूछे जहां तक वो साथ चलेंगे तो मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा टोटल मास इनटू मैक्सिमम मैक्सिमम म्यू जी अगर तुम इतना फोर्स या इससे कम फोर्स लगाओगे इतना फोर्स या इससे कम फोर्स लगाओगे they will move together. लेकिन अगर तुम फोर्स ज्यादा लगा दोगे तो दे स्लाइड ओवर इच अदर जब ऊपर नीचे स्लाइड करेंगे तो अपर ब्लॉक का जो एसिलरेशन होगा वो म्यू जी ही होगा और लोअर ब्लॉक का जो एसिलरेशन होगा वो एफ माइनस म्यू एम वन जी बटा एम टू आएगा क्यों क्योंकि ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बस नीचे वाले पे एफ माइनस एफ लग रहा है तो एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम वन जी बटा मास एम टू ये होगा नीचे वाले का एसिलेशन और ऊपर वाला म्यू जी से चलेगा जब आप फोर्स ज्यादा लगाओगे तब हालांकि नीट में इस पर सवाल नहीं पूछा है लेकिन बड़ा आसान है सुनो मैं ध्यान से बताता हूं जब भी ब्लॉक ओवर ब्लॉक का सवाल आएगा तो क्या करोगे तो तुम मैक्सिमम साथ चलने वाला एसिलेशन निकाल लोगे और फोर्स जो कॉमन एसिलेशन दे रहा होगा वो निकाल लोगे और दोनों को कंपेयर करोगे अगर ए तुम्हारा, तो तुम्हारा ज्यादा है तो तुम क्या करोगे कि ये तो म्यूजी से ही चलेगा और नीचे वाला चलेगा एफ माइनस एफ आर बराबर एम टू ए बात खत्म और इसी के में केस बनता है इसी में केस बनता है जब ये सरफेस आपका स्मूथ है और ये रफ है हम ऊपर वाले पे फोर्स लगा रहे हैं जब हम ऊपर वाले पे फोर्स लगाते हैं तो मैक्सिमम एसिलेशन जहां तक वो साथ चलते हैं उसका ट्रिक भी बताया था याद रखने का बड़ा आसान सा म्यू जी इंटू ऊपर वाले का मास बटा नीचे वाले का मास ये आएगा तो मैक्सिमम कितने फोर्स तक साथ चलेंगे टू मूव टूगेदर मैक्सिमम कितने फोर्स तक साथ चलेंगे ये साथ चलेंगे प्लस एम टू मैक्सिमम एसिलेशन एम बटा एम टू इन टू म्यूजी ये बास खत्म इतना कर लोगे बेटा हो जाएगा अब हम बहुत डिटेल में यहां पे नहीं जाएंगे इतना याद रहेगा सवाल हो जाएगा इसके अंदर और नहीं जाना नीट के लिए अभी हां लॉन्ग टर्म कोर्स में हम सिलेबस में जाते हैं लेकिन बेटा अब इसके अंदर अभी के समय में नहीं जाना ज्यादा क्लियर है चलो अब सर्कुलर मोशन और सर्कुलर डायनेमिक्स बाद में करा दूंगा अच्छा एक केस तो देख लो ये वाला वर्टिकल सरफेस पे फ्रिक्शन का केस मान लो कि एम मास का ऑब्जेक्ट है रफ सर्फेस उसको एफ फोर्स से हम कंप्रेस कर रहे हैं अब बेटा अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट है इफ इट इज एट रेस्ट अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो यहां पर नीचे एक फोर्स लग रहा होगा एमजी इस ऑब्जेक्ट पे कॉन्टेक्ट सर्फेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा होगा इधर और ऊपर गिरने से बचने के लिए कॉन्टेक्ट सर्फेस के पैरल फ्रिक्शन तो इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी सर फ्रिक्शन की वैल्यू हमने पढ़ा है म्यूवेन होगी नहीं म्यूएन तो तब होता है ना जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू कर देता है अबाउट टू मोशन होता है ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में तो म्यूएन नहीं होगा फ्रिक्शन तो क्या होगा तो नॉर्मल तो तुम्हारा देखो आगे नॉर्मल पीछे अप्लाइड फोर्स नॉर्मल तो एफ के बराबर होगा ये सही है फ्रिक्शन कितना होगा तो देखो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में चल नहीं रहा तो फ्रिक्शन उस फोर्स के बराबर होगा जो इसमें मोशन की टेंडेंसी क्रिएट कर रहा इसमें मोशन की टेंडेंसी कौन क्रिएट कर रहा है एमजी तो फ्रिक्शन आपका एम के बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन क्या हो जाएगा एम के बराबर हो जाएगा सर अगर ऑब्जेक्ट इन मोशन में होता तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में है तो नीचे का एम वैल्यू ज्यादा होगा ऊपर का फ्रिक्शन कम होगा ये तुम एफ से दबा रहे हो जिसका वर्टिकल सरफेस नॉर्मल आगे लगाएगा तो आप कह सकते हो कि अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है मूविंग है तो अब फ्रिक्शन तुम्हारा म्यूएन हो जाएगा तो इसका जो एक्सेलेशन आएगा एम जी माइनस म्यूएन

यस yes, पेज हो गया कोई बात नहीं यही पे खत्म करते हैं सरसन रीजन मैंने कुछ हैं, वो कर लेना बेटा। है ना? क्लास का टाइम हो सर्कुलर डायनोमिक्स डायनोमिक्स वाले केस में हम सारा कंप्लीट कर लेंगे ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है ठीक है मिलते स्प्रिंग का केस बहुत आसान है बेटा स्प्रिंग में जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ब्लॉक है और ये स्प्रिंग कनेक्टेड है और ये ब्लॉक है बस इतना ही ध्यान रखना है कि टेंशन फोर्स तो हमेशा के अबे इधर होता है लेकिन स्प्रिंग फोर्स दोनों केस में हो सकता है स्प्रिंग फोर्स हो सकता है कि एक केस में आगे लग रहा हो और इस इसमें पीछे लग रहा हो और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि एम मास का ऑब्जेक्ट है ये स्प्रिंग है और ये एम टू मास का ऑब्जेक्ट है हो सकता है कि स्प्रिंग इस फोर्स इसमें ऐसे लग रहा हो और इसमें ऐसे लग रहा हो सर ये कैसे डिसाइड होगा अगर ये इलोंगेटेड होगा पहले से इलोंगेटेड होगा तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ खींचेगा और मान लो ये कंप्रेस्ड फॉर्म में है कंप्रेस्ड फॉर्म में तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लाएगा तो ये कैसे पता चलेगा ये पता चलेगा इसके एसिलेशन दिया होगा कुछ इंट दिया होगा मान लो कि सिंपल केस दिया और तुम्हें बोला कि ऑब्जेक्ट आगे एसिलरेट कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन स्प्रिंग फोर्स पीछे तो लगेगा नहीं अगर आगे एसिलरेट कर रहा तो स्प्रिंग फोर्स आगे लगेगा अच्छा तुम्हें ये दिया हो कि दो ब्लॉक है और ये इधर एसिलेरेट कर रहा तो पीछे कैसे आ सकता है भाई

और म्यू जी तब जब फ्रिक्शन बचा रहा तो म्यू जी रूट म्यू जी वी बराबर रूट म्यू जी या वी बराबर रूट अंडर जी टेन दो ही केस है जब तुम डिफरेंट केसेस में बात करोगे डिफरेंट केसेस में बात करोगे देखो अरे भाई रुक जाए तो ऐसे लेट हो रहा है, कहा है? अच्छा यहां जैसे डिफरेंट डिफरेंट केस का

Surface, मतलब मतलब अरे अरे बहुत आसान होता है मोशन ऑफ़ स्मूथ स्मूथ बैंक रोड रोड या ग्रामोफोन रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग डिस्क डिस्क पर एक सेंटर के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं ताकि स्लाइड ना करे कितना मैक्सिमम हो हो ताकि ये स्लाइड ना करे तो देखो जब ये घूमेगा तो आगे फोर्स लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर अंदर फोर्स लगेगा फ्रिक्शन जो कि होगा म्यू एन के बराबर तो म्यू इन टू एन बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर और एन को हम एम जी लिख सकते हैं तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर एम सेम कटेगा ओमेगा होगा म्यू जी बस खत्म मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आता है यही है और ये क्यों होता है ये भी मैंने आपको विजुअलाइज कराया हुआ है बेटा मैंने आपको विजुअलाइज कराया हुआ ना रूट आरजी टें क्यों होता है एंड म्यू आरजी क्यों होता है ठीक है चलो